हेलो आवाज़ आ रही है क्या बताना थोड़ा आवाज़ आ रही है क्या स्क्रीन पे लिख के बताना कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्या लाइव चालू हो चुका है और देखिए आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या अभी मैं इस पर बंद कर देता हूँ तो कमेंट पढ़ सकूँ में, पीछे मैंने लैपटॉप ऑन किया है और आवाज़ के बारे में यस लिखा रहा है यस इसका मतलब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और इनकी सीमा जी की आवाज़ आ रही है क्या बोलना नमस्कार देखना सीमा जी की आवाज़ आ रही है यस 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 लिख दिया हाँ सर आ रही है ठीक है ये देखो ये से दिखेगी इसमें और ये दो कमेंट चल रहे हैं ठीक है कमेंट चालू हो गए हैं लाइव सेक्शन चालू हो गया है तो अब मैं विधि से शुरू करता हूँ साथियों नमस्कार मैं महेश चंद्र कौशिक अपने लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और लाइव स्ट्रीम में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने दो दिन पहले वीडियो डाला था कि दो लाख से बीस करोड़ रुपये आप कैसे कमा सकते हैं मुख्यतः उन्हीं प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा आज लाइव स्ट्रीम में आप प्रश्न पूछें तो आप मैन ये ध्यान रखें कि ये लाइव स्ट्रीम लाई उस वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए अभी आठ लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं तो आप सभी आठ लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और एक बात ध्यान रखना कि मेरे दो लाख बासठ हजार फॉलोअर है और आठ सौ बत्तीस तो अभी भी आप लोग जुड़े हुए हो तो इनमें सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर लोगों का नाम लूं लेकिन जिसका नाम नहीं आ पाए उनसे मैं अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़ करके वो बुरा मत मानना कि साहब मेरा नाम नहीं आया मेरा नाम क्यों नहीं लिया बाद में से कमेंट करते हैं कि आपने लाइव में, में मेरा नाम नहीं लिया तो देखो नदी के पानी की तरह लाइव स्ट्रीम में कमेंट बहते हैं भाग्यशाली <coughs> लोगों का ही पर्सन आएगा और भाग्यशाली लोगों के ही इसके अंदर नाम शामिल किए जा सकेंगे तो पहले मैं पाँच मिनट के अंदर जिन नमस्कार वाला सेशन पूरा पूरा कर देता हूँ पाँच मिनट में जिन जिनके नाम भाग्यशाली लोगों के शामिल हो जाए उनको नमस्कार कर लेता हूँ उसके बाद अपने पर्सन चालू करेंगे और बीच में एक बात और बता दूं आपको सुपरचैट के बारे में बता दूं कि कुछ लोग सुपरचैट बेचते हैं पैसा बेचते हैं वैसे देखो मैंने हमेशा कहा है कि मैं मेरे फॉलोअर्स से पैसा लेना पसंद नहीं करता मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है मेरा कोई पेड प्लान नहीं है मुझे पैसा कमाना होगा तो मैं शेयर मार्केट से ही कमा लूँगा हमेशा ये कहता हूँ लेकिन मैं सुपर चैट को ऑन रखता हूँ सुपर थैंक्स को ऑन रखता हूँ लोगों को मना इसलिए नहीं करता कि मैं मेरे गुरु जी के यहाँ जाता हूँ मान लीजिए मैं मेरे गुरु जी के जा यहाँ जाता हूँ तो मेरी मेरा हाथ अपने आप जेब में जाता है कि मेरी इच्छा होती है मैं मेरे गुरु जी के चरणों में कुछ पैसा रखू गुरु जी के चरणों में कुछ मैं मतलब दक्षिणा रखूँ तो गुरु जी ऐसे कह देंगे मैं बहुत बड़ा मेहनत हूँ क्यों पैसे दे रहा है मुझे गुरु जी मना नहीं मना कर देंगे मुझे नहीं हम बहुत बड़े मेहनत है भाई यहाँ पैसे मत चढ़ाओ तो ऐसे मना नहीं कर सकते तो कोई यदि पैसा भी भेजेगा तो बीच बीच में उसको भी धन्यवाद दूंगा उसका भी सवाल लेंगे हम और उसको बीच में धन्यवाद देंगे अभी सुपर चैट वालों को भी लेकिन पहले हम ये नॉर्मल धन्यवाद देने का क्रम चालू करते हैं देखो जिस भाग्यशाली लोगों का नाम पढ़ा जाए ओमकार शुक्ला जी हैं मास्टर ट्रेड जी है, है शेरजा दुबे जी हैं गौरव पटेल जी है और ये थोड़ा थोड़ा मुझे रोक रोक के पढ़ना पड़ेगा नहीं तो बहुत तेजी से आँखें ही नहीं जम पा रही है विकास धीमन जी है कह रहे हरिओम एच जी एंड सीमा जी आबिद अली जी है कह रहे गुड इवनिंग सर जय सिंह शेखावत जी है विकास कुमार जी है संदीप कुमार जी है शेरजा दुबे जी है समीर मराठे जी है मोहित रामदेव जी है मोहित गुप्ता जी है राजवंश जी है चेतन टेलर जी है तो इस तरह से बहुत से फॉलोअर्स हैं जो इन जिन्होंने आज हमारी लाइव चैट के अंदर भाग लिया है और कमाई और बचत जी हमारे फॉलोअर है कमाई और बचत जी उन्होंने उनतीस रुपये की जो है सुपर थैंक्स भी भेजा है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं आपके सवाल जवाब जवाब आमंत्रित करता हूं कि आप आज का कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछे ताकि गुणात्मक रूप से हो सके यदि हम आपके नाम लेकर नमस्कार ही करते रहे यदि हम सुपर थैंक्स को धन्यवाद ही देते रहे तो लोग बाद में कमेंट करेंगे कि आप तो इसके लिए आते हो तो इसलिए आप अब अपना पर्सन पूछना स्टार्ट कर सकते हैं अब देखते हैं आपके आपके के अंदर क्या होता है मैं भी लाइव लाइव चैट चैट स्टार्ट स्टार्ट करता हूं। में आने हो गए हैं तो बाकी सारे लोगों के पर्सन अभी लेना स्टार्ट करते हैं देखिए मैं थोड़ा रोक के पढ़ता हूं अमीर अमजा जी है पहला पर्सन भाग्यशाली विनर अमीर अमजा जी रहे वो करें सर जो आपने लास्ट वीडियो बनाई है उसमें सारे दस शेयर एक बार में लेने हैं क्या देखो आप लोग अपने जीवन के उनसठ मिनट यानी एक घंटा भी इस वीडियो को देखने में नहीं दे सकते मैंने उसमें अच्छी तरह चीख चीख के जोर जोर से बुलंद आवाज में बोला था कि सारे शेयर एक बार में नहीं लेने हैं मार्केट का क्या भरोसा कब कब मार्केट गिर जाएगा मैंने कहा था आपको कि यदि आप बहुत ही ज्यादा जल्दबाज हैं तो भी सारे शेयर एक बार में मत लेना एक दिन में एक शेयर ही लेना और जो सीट में सबसे ऊपर आए पहले वो शेयर लेना तो मार्केट कैप के अनुसार मैंने सीट बनाई थी तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप जो शेयर ऊपर है वो ब्लू चिप शेयर है, फिर है।, तो मतलब वो अच्छा है वो ये भी मैंने उन लोगों के लिए कहा था कि जो मार्केट के बुल रन के अंदर जल्दबाजी कर रहे हैं लालच कर रहे हैं कि हम दस के दस शेयर एक साथ ले लेते हैं कल से मार्केट गिर गया तो मेरे तो गाड़ियां पड़ना सुनिश्चित है मुझे गाड़ियां निकालते रहना और कहना कि बस ऐसे कोई करोड़पति होते हैं क्या तो सिस्टम गलत नहीं है आपका लालच गलत है तो इसमें लालच नहीं करना होता कि मार्केट का क्या भरोसा कब गिर जाएगा आगे, देखो लोकसभा चुनाव आने वाले, वाले हैं और अब चाइना का मार्केट देखो आप हैंगसेंग इंडेक्स देखो दो के के उसके स्तर आसपास आ रहा है हम कितने आगे हैं विदेशी मार्केटों से देखिए हम जो डाओ से देखिए नाश से देखिए हम लोग कितने आगे चल रहे हैं और ये एफआई वगैरह होते हैं उनकी आदत ये होती है वो आज अपना मार्केट बुल रन में इसमें खूब पैसा पैसा अंदर ढूंढ डाल रहे हैं अपने भी उनके पीछे पीछे पैसा डाल रहे हैं फिर वो निकाल लेंगे फिर उनको अपना वैल्यूएशन ज़्यादा हाई लगने लगेगा और हैंग सेंग हैं का वैल्यूएशन कम लगने लगेगा फिर वो वहां जाके पैसा डालने लगेंगे तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा जो सभी प्रकार के मार्केट में रखो और एक साथ सारा पैसा मत डालो ए, हो सके तो एक दिन में एक ही शेयर लो और जिसके पास और भी पैसेंस कम है जिसके पास धैर्य और भी कम है वो हफ्ते में एक शेयर लो देखो हफ्ते में एक शेयर लो दस शेयर पूरा होते होते आपके ढाई महीने का टाइम लगेगा इस दरमियान मार्केट गिर गया तो भी कोई नहीं और और भी कोई छोटा निवेशक है और भी डरता है वो पंद्रह दिन में एक लो दिन में एक शेर लोगे तो पांच महीने में जाके आपके दस शेयर आएंगे हाँ बीच में यदि आपका कोई पैसा रोटेट हो गया किसी कोई बेटा कंबल बेच के आ गया तो मैं तो कंबल की कहानी पे चलूंगा बीच में आपने पंद्रह दिन में एक शेर लिया एक बेटा कंबल बेच के आ गया या हफ्ते में एक शेर लिया एक बेटा कंबल बेच के आ गया तो उसको नए कंबल अलोट कर दो आते हाथ उसी दिन एक दिन में भले दो शेर ले लो उसमें कोई मना ही नहीं है लेकिन आपको एकदम से सारा पैसा डाल दोगे तो बाद में मेरे को गाड़ियां दोगे मुझे ही मतलब कोसोगे बाद में इसलिए ऐसा है तो बीच में कुछ ये सुपर चैट वाले आए हैं इनका मैं जवाब बीच में जो नाम पढ़ देता हूं इनके विरजोल भाई बॉस पेपर क्राफ्ट से चालीस रुपए की सुपर चैट भेजी है हरेंद्र संडी है जी है बीस रुपए की सुपरचेट भेजी है तो अभी रमजा जी मुझे लगता है आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा अभी मैं खुद मेरा बेटा अठारह साल का हो गया मेरा खुद का बेटा अठारह साल का हो गया उसका मैं अकाउंट खुला खुलाने वाला हूँ और उसको मैं यही विधि शुरू करवाने वाला हूँ तो उसको मैं क्या करूंगा पंद्रह हजार रुपए के एक महीने में एक शेयर दिलाऊंगा पहले महीने में एक शेयर लेगा दूसरे महीने में दो साल लेगा तीसरे महीने में तीस साल लेगा दस महीने में जाके उसके दस शेयर का पोर्टफोलियो बढ़िया उसके पास वो तो स्टूडेंट है बी एल एल पढ़ता है तो मैं उसको पैसा उधार दूंगा अपनी तरफ से लोन पे पैसा दूंगा गिफ्ट में नहीं दे सकते आप देखो इनकम टैक्स के नियमों से अपनी पत्नी को सीमा जी को अपने बेटे को पैसे यदि आप गिफ्ट में देते हो तो उनकी आय मेरी आय में जुड़ती है और मैं तीस के टैक्स ब्रैकेट में हूँ लेकिन मैं इनको पैसा लोन देता हूँ जैसा मैंने इनको दिया ही था मतलब टटरी ट्रेडिंग वगैरह के लिए जब मैं यदि इनको पैसा लोन देता हूँ या मेरे बेटे को पैसा लोन देता हूँ तो उसकी आय मेरी आय में नहीं जुड़ती और वो लोन चुका देगा मुझे समय समय पे इस विधि से चुकाएगा आगे मैं हो तो इसका आपको साथ में मेरे बेटे का सिस्टम का फॉलोअप साथ में दिखाता रहूंगा तो लालच बुरी बला है बच्चों ने आपको पढ़ाया था एक साथ दस शेयर नहीं तो मुझे गाड़ियां निकालोगे सिस्टम को आगे लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं मार्केट का भरोसा नहीं है कब गिर जाए और ऐसा भी नहीं कि डर के मारे आप लोकसभा चुनाव का इंतजार करने लगो देखो मार्केट और ऊपर भी जा सकता है इससे भी ज्यादा तो डरना भी नहीं है इसीलिए कह रहा हूं कि या तो एक दिन में एक शेयर लो ताकि आपको दस शेयर खरीदने में दस दिन लगे किसी में और ज़्यादा पेशेंस है तो सात दिन में एक शेर लो किसी में और ज़्यादा पेशेंस है तो पंद्रह दिन में एक शेर लो किसी में और ज़्यादा पेशेंस है तो एक महीने में एक से लो फिर आगे तो ऐसा हो जाएगा ना कि दस शेयर हो जाएंगे पूरे उसके बाद तो इंतजार करना ही पड़ेगा आपको जब कोई शेयर छह परसेंट कमा के लाएगा तभी तो अगला लोगे तो इस तरह से आपको इस विधि को फॉलो करना है चलिए अब अगला अगला पर्सन लेना स्टार्ट करते हैं और ये लाइव चैट से मैं अगला पर्सन शुरू करता हूँ और उसके बाद मुझे दिखाई दिखाई मुझे दे रहा है बीच में सुपर चैट आ रही है फॉलोअर्स अपने प्यार से कुछ पैसा भेज रहे हैं तो उनका नाम भी मैं लूंगा थोड़ी देर एक पर्सन लेने के बाद में लूंगा और देखते हैं कुछ भाग्यशाली का पर्सन आता है मीजे जी कह रहे हैं मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं विजय ऊपर नाम में मीजे लिखा था और विजय लिखा देखो विजय जी नौकरी मत छोड़ना मैं भी जॉब करता हूं आप जॉब छोड़ते हैं तो किले में रह के युद्ध लड़ना है यदि जॉब करते हैं तो किले में रह के युद्ध युद्ध जो लड़ते हैं राजा महाराजा किले में रह के युद्ध लड़ा करते थे

बड़ा कि वर्षिफ अपनी जॉब को भगवान की जॉब मान के कीजिए अपने बहुत से इर्षा मत कीजिए हर जगह प्रेम रखिए धन्यवाद दीजिए आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी आपको जॉब अच्छी दिखाई देने लगे कभी भी अपनी जॉब की बुराई मत कीजिए कभी भी अपनी जॉब की बुराई मत कीजिए जैसे मैं जिस जॉब में हूँ मे, मेरे कैंडर वाले भी अपनी जॉब की बुराई करते हैं कि इसमें क्या है अकाउंट्स में क्या है ये वो है तो इससे कभी भी ऐसे बुराई मत कीजिए अपनी जॉब को भगवान का आशीर्वाद मान के कीजिए चाहे छोटी जॉब भी हो यदि आप छोटी जॉब को भगवान का आशीर्वाद मान के करेंगे तो भगवान आपको बड़ी जॉब देगा मैं ये मानता हूँ जैसे मैं कभी भी मेरे फॉलोअर्स को जॉब छोड़ के फुल टाइम शेयर मार्केट करने की सलाह नहीं देता ऐसे ख्याल जो बुल मार्केट में आते हैं बहुत से लोगों के आते हैं एफ डी भी जहर जैसी खाली लगती है एफ डी तोड़ के शेयर मार्केट में डाल दूँ जॉब छोड़ के फुल टाइम शेयर शेयर मार्केट का बिजनेस करने लगूँ तो ऐसा सिस्टम मैं कभी मेरे फॉलोअर को रिकमांड नहीं करता यदि आप मेरे फॉलोअर है तो मैं जॉब छोड़ने की सलाह आपको नहीं दूंगा चलिए बीच में थोड़ा सा फ़ैन फंडिंग वालों पे बात कर लेते हैं जो लोग पैसा भेज रहे हैं सुपर चैट में उनका थोड़ा सा नाम नाम ले लेते हैं वो खुशी होगी उनको और नाम लेने से खुशी होगी तो ये आरजे जी ने बीस रुपए की सुपरचेट भेजी है निमेश माड़ी जी ने चालीस रुपये की सुपरचेट भेजी है और ये अभी तो भाई इसमें इतनी दिखाई दे रही है किसी का सुपरचेट भेजेगा नाम छूट भी जाए तो बुरा मत मानना और अब चलिए आगे आगे चलते हैं लाइव में फिर से आते हैं अगला अगला पर्सन आपका लेना स्टार्ट करते हैं देखते हैं अब किसका पर्सन आता है भाग्यशाली विनर का एक्सेल ट्यूटोरियल सर शेयर्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें कल या फिर विद इन ए क्लोजिंग रेंज कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ तो देखो तो वीडियो तो मैं बनाता ही रहता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो बना रखे हैं मैंने किताब किताबें भी खूब सारी लिखी है बस आपके ऊपर आप कितना ज्ञान इसको पढ़, पढ़ के अर्जित कर सकते हैं और आ, आपकी गूगल सीट से आज एच गायब हो गया ऐसा क्यों क्योंकि एच डी आज गिर गया देखो कंसोलिडेट ब्रेकआउट में वही शेयर होते हैं जिनकी सभी डीएमए और जिनका करंट मार्केट प्राइस लगभग पांच प्रतिशत की रेंज में बराबर आ जाते हैं तो सीट में कल तक एच बैंक था मैंने खुद भी लिया हुआ है कंसोलिडेट ब्रेकआउट में और अब एच डी एफ बैंक सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में था तो एच बैंक उसके अंदर से गायब हो गया तो ऐसा तो होगा अक्सर एक बार आपने ले लिया सीट में सेल ऐसा थोड़ी हमेशा ही रहेगा वो आपको छह परसेंट प्रोफिट देने तक आप समझिए इसको कंसोलिडेट कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट वाला मेरा जो अलग वीडियो है उसको भी जाके आप देख सकते हैं उसको भी आप जाके समझ सकते हैं हरेंद्र सद्रे जी ने सौ रुपये की सुपर सीट भेजते पूछा है नमस्कार जी कुछ कंपनीज जो बेस्ट टाइम टू बाय में है उनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है क्या करें तो मत लो उनको छोड़ो देखो आप फंडामेंटल्स भी चेक करो थोड़ा अपना विवेक भी लगाओ देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि किसी ने भगवान ने आपको आके कह दिया एप्पल कंपनी के जो संस्थापक थे स्टीव जॉब्स जो थे एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स उन्होंने हमेशा कहा था कि कोई भी अच्छी से अच्छी विधि हो कोई भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है ऐसा नहीं होता तो आज भी हम लोग जो है साइकिल पे चलते होते इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं चलते होते तो आज भी आज भी दुनिया में साइकिल ही होती फिर और यार नोकिया का वो बड़ा फोन ही होता ये मोबाइल फोन एंड्रॉइड फोन जिनसे आप ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हो यूट्यूब देख रहे हो ऐसी चीजें आज दुनिया में होती नहीं तो स्टीव जॉब्स का कहना मानिए इसी तरह से मैं खुद फंडामेंटल चेक करके लेता हूँ कंसोलिडेट कु, कु, ब्रेकआउट वाली सीट में कोई शेयर आता है तो मैं खुद उसके देखता हूं फंडामेंटल क्या है उसका पीछे बहुत ज्यादा बढ़ गया तो नहीं आ, ऐसा होता कई बार शेयर जो है चार पांच साल पहले आठ का शेयर था और अभी आठ सौ रुपए पे ब्रेकआउट सीट में आ गया क्योंकि तो वो 2000 तक भी जाके आया था 2000 से गिरते गिरते 800 सौ आया फिर आठ तो से थोड़ा सा बड़ा ब्रेकआउट सीट में दिखने लग गया तो मैं खुद ऐसे चेक करके लेता हूं मैं ऐसी चीजों को छोड़ता हूं तो आप यदि समझदारी दिखाएंगे तो अच्छा है आप यह कभी मत सोचो कि आपको जो है कोई हाथ पकड़ के चलाए आप सभी फंडामेंटल्स भी देखिए अच्छा शेयर ही लीजिए जल्दबाजी मत कीजिए आपके पास जो है दस बेटे कमाने वाले हैं तो आप अच्छे से अच्छे कंबल बेटों को दीजिए ताकि जल्दी बेच के आ सकें आपके जो बेटे हैं उनको आप कंबल बेचने को बेचते हैं बाजार में अच्छे से अच्छे कंबल देख के दो ना कि जल्दी बिक जाए फटे पुराने कंबल उनको क्यों देते हो कंबल देने से पहले देखो कि कंबल फटा हुआ तो नहीं है ऐसे आप फंडामेंटल्स देखो उसके चार्ट देखो अच्छी तरह सेटिस्फाइड होने के बाद ही दो नहीं तो कल भी सूरज निकलेगा कल भी पंछी गाएंगे यानी कल भी आपके मार्केट खुलेगा कल भी शेर आएंगे तो कल शेर आएंगे तो कल ले लेंगे इसमें जल्दी क्या है इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत किया करो और अब देखिए आगे चलते हैं चलिए अब देखते हैं आगे थोड़े अपने प्रश्न भेजिए फिर देखते हैं किसका भाग्यशाली व्यक्ति का प्रश्न आता है हरेंद्र जी ने लिखा धन्यवाद आपके उत्तर के लिए प्रणाम आपको और मैडम को मैडम प्रणाम कर दो है ना हाँ नितिन पाचगाडे जी कह रहे हैं सर एम टी एफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चार लाख से एक करोड़ का रिव्यू पे एक वीडियो बनाए सर बिल्कुल मैं आपकी सिफारिश को मतलब नोट कर लेता हूँ एम टी एफ ट्रेडिंग पे एक रिव्यू वीडियो मैं अवश्य लेके आऊँगा जल्दी मोहित गुप्ता जी कह रहे हैं जैसे सर जी पंद्रह के का कोई शेयर ले लिया वो बीस परसेंट गिर गया उसको पंद्रह के बटा पंद्रह से डिवाइड तो एक शेयर में मैक्सिमम तीस के हुआ इन्वेस्टमेंट हुआ ना सर देखो पता नहीं क्या कारण था मैं भी थोड़ा लंबा आपको समझाऊंगा कि पता नहीं क्या वजह थी कि जो ये एस वाला भाग था उस वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाया था आपको जो वीडियो दो लाख से बीस करोड़ वाला वीडियो बनाया था उसी के रिव्यू पे हम आज ये लाइव चैट कर रहे हैं और अठारह सौ उनसठ लोग मुझे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और चार सौ उन्यासी इसके अंदर लाइक आ चुके हैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एस वाला भाग लोगों के समझ में क्यों नहीं आया मुझे अभी तक नहीं समझ रहा सबसे ज्यादा कमेंट भी उसी उसीपे आ रहे हैं एस आई पी वाला भाग समझाओ असल में क्या होता है हमने ये मान लिया कि एस आई मानी म्यूचुअल फंड में एस मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं कहा था मैंने जो एवरेज करने के लिए कहा था कि यदि कोई कंबल नहीं बिका मैंने आपको बताया था कि सूंपड़ू का जब कंबल कोई बेटा ऐसा था ढीला बेटा था कंबल नहीं बेच पाता था और कंबल पुराना पड़ जाता था उसका लोग ग्राहक उसके 20 परसेंट कम दाम ऑफर करते थे तो सोपड़ू क्या करता उसमें हज़ार रुपये डाल के उस कंबल को ड्रैकनिंग करवा देता गो, गोटा वगैरह जड़वा देता ताकि उसके बिकने के चांसेस बढ़ जाएँ तो मेरा सिंपल ही कहना यह था कि यदि आपका कोई शेयर है आपने कितने कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट विधि से लिया कई बार क्या होता है मार्केट बुलडन में है शेयर गिर भी जाते हैं में ऐसा कोई गारंटी थोड़ी होती है तो उसको फिर हमें जिंदगी महीने आत्म, आत्म तो साल साल चौदह चौदह साल लिए पड़े रहते हैं उसको पैसा डेड हो गया पड़ा है कि मैं तो एक बार मेस को सीख था एक आया था यूट्यूब पे उसके कहने से लिया था और अब तो वो गिर गया तीस परसेंट टूटा हुआ है अब क्या करूं लॉस बुक कर लूं क्या कई जन लॉस बुक भी कर लेते हैं तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि अपने डेड इन्वेस्टमेंट को जिंदा रखिए यदि ऐसा कोई शेयर गिर गया है 20 परसेंट से ज्यादा गिर गया तो मैंने उसमें कहा था कि एक बटा पंद्रह बाकी एसआईपी करनी है यानी कैसे करनी थी आपको कि पंद्रवा हिस्सा उसका पंद्रह हजार लगा रखें तो उसमें अंदर हजार रुपए महीने की एसआईपी मैंने आपको करने को कहा था कि उसकी हजार रुपए महीने के उसी कंपनी के शेयर और खरीद लो एसआईपी कर दिया था जैसे मान लो आपने एच बैंक का शेयर लिया एच बैंक का उदाहरण लेते हैं कल तक वो कंसोलिडेट ब्रेकआउट सीट में था बहुत से फॉलोअर्स ने लिया भी होगा एच डी बैंक का शेयर आज तो पांच छह ही गिरा है और कल ये गिरते गिरते बीस से ऊपर गिर जाए यदि तो ये ऐसा कंबल है कि समझो अभी उसको बिकने में टाइम लगेगा तब उसे मैंने कहा था कि पंद्रह हजार के लिए तो हजार रुपए महीने के उसके अंदर एस आई पी विधि से एवरेज करते रहो क्योंकि बीस परसेंट से ज्यादा गिर गया तो नीचे आ गया है तो धीरे धीरे उसको जल्दी छह परसेंट कमा के निकलने का फायदा रहेगा अब आपके ये तो मतलब सर तीस हजार हुआ ना इन वो पंद्रह महीने एवरेज करूंगा पंद्रह पहले डाला था पंद्रह हजार और डलगे तीस हजार हो गए उसका तो कितना ही हो चाहे आपके हो सकता है पांच किस्त के आपने एस आई पी किया पांच महीने आपने हजार महीने के सैलरी लेके उसको एवरेज किया और बीस हजार रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ आपने छह परसेंट प्रॉफिट बुक किया आपको गिरना पंद्रह हजार रुपये है वो तो हमने अपने बेटे को उधार दिए थे वो हमारा ही पैसा है सुपड़ू का ही पैसा है वो सुपड़ू ने पंद्रह हजार के कंबल नहीं बेच पाया पांच हजार उस बेटे के विकास पर डाले थे उसकी मदद के लिए डाले थे कि वो कंबल बेच के आ जाए वो बेच के आ गया तो उसके पंद्रह हज़ार का नौ सौ रुपये प्रॉफिट में साढ़े चार सौ तो हम एक लेंगे प्लस हमारे पाँच हजार जो हमने एस आई पी करने के एस आई पी मतलब एवरेज करके हजार रुपए महीने के एवरेज करके उसको जो एक्स्ट्रा निवेश किया था उसका भी छह परसेंट हम ही रखेंगे फिर छह परसेंट एक साथ ही आएगा बीस हजार का बेचोगे तो एक साथ ही आपको मिलेगा और इसमें यह भी ध्यान रखो कि अब लोग कहते हैं कि सब सब मान लीजिए हम कई स्टेप आगे बढ़ गए और सब शेयरों में दो दो लाख रुपए लगा रखे थे अब मार्केट गिर गया सारों में एस आई पी करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा अरे भाई डिविडेंड साथ में देखे चलने फिफ्टी परसेंट 50 परसेंट डिविडेंट साथ में दे के चलने याद आता जब वो दो दो लाख सारे शेयर बढ़े तो आपने उनके अंदर मान लो दस के दस बेटों के शेयर दो दो लाख के हो गए तो आपने बीस लाख का डिविडेंट आपने भी तो लिया होगा वो कहाँ गया एस आई पी करने का पैसा कहाँ से आएगा तो वो बीस लाख का डिविडेंट कहाँ गया और इसमें एक बात और याद रखो मैं खुद जो है सभी शेयरों में एस आई पी नहीं करता भले ही बीस परसेंट से ज्यादा गिरे हुए हूँ मेरी विधि ये है मेरी विधि सुन लो आप जिसको भी समझ में आ जाए वो उसकी बहुत अच्छी बात है भाग्यशाली व्यक्ति मेरी विधि ये क्या करता हूँ कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ शेयर होता है उसमें जो है एक बटा पंद्रह बाकी एसआईपी शुरू करता हूं फिर उसमें धीरे धीरे ग्लूकोज उसको मिलता रहता है एसआईपी चलती रहती है धीरे एक बटा पंद्रह बाकी सबसे ज्यादा गिरा है तो वैसे भी वो तो कोई जल्दी से तो कोई बढ़ना है नहीं सबसे जो आखिरी में आ आया मानो मेरे पोर्टफोलियो में तीस से रहे तो जो तीसवें नंबर पर हुआ है सबसे ज्यादा गिरा हुआ है उसमें एसआईपी चालू करता हूं मैं फिर वो धीरे धीरे बढ़ बढ़कर यदि से उन्तीसवें नंबर पर आ गया तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ कोई और आ गया फिर मैं उसमें एस आई पी चालू करता हूँ ऐसे अभी मात्र मेरे तीन चार एस आई पी उसके अंदर एक बटा पंद्रह भाग की चालू है और तीन चार में तो मैं बेच के बाहर भी निकल गया तो धीरे धीरे एस आई पी है ग्लकोज से उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो बे बिग्स शेयर इसलिए मैंने आपको विधि बताई है मैं अपनी जांच पर की विधि ही बताता हूँ मैं आशा करता हूँ कि एस आई पी वाला भाग बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया था उन सबके समझ में आ गया होगा और अब थोड़ा सा इनको फैन फंडिंग वालों को जवाब दे देते हैं इसमें अलग से ऑप्शन आता है आजकल फैन फैन फंडिंग का कि फैन जो पैसा भेज रहे हैं उनमें उनको धन्यवाद तो दो कम से कम संतोष बंकर जी है फोर्टी रुपये का सुपर थैंक्स भेजा है मोनू धुल जी है सौ रुपये का सुपर थैंक्स भेजा है और साथ में प्रश्न पूछा है कि ईटीएफ डेली अर्निंग्स वाली सीट में डेप्ट ईटीएफ को कैसे पता करें आपके ईटीएफ वाली सीट में डेप्ट ईटीएफ भी है सर देखो मैंने हटाने की कोशिश तो की थी मैंने हटाया था यदि वो डेफ्ट ईटीएफ है तो उसका नाम नाम बता दो गलती से को, कोई कोई मतलब रह गया हो तो मैं उसको हटा दूंगा मुझे नहीं लगता डेफ्ट ये शुरू शुरू में जब मैंने कॉपी पेस्ट करके डाला था एन एस सी से तब एक आधा डेफ्ट ईटीएफ आ गया था अगले दिन मुझे दिखा तो मैंने उसको हटा दिया था कोई रह गया है तो आप बता दो मुझे मुझे कमेंट कर देना मुझे ईमेल कर देना मैं हटा दूंगा उसको तो मुझे आशा है कि आपका जवाब मिल गया होगा वंदना साहू जी ने बीस रुपया का सुपर थैंक्स भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद वंदना साहू जी और आरिस मोहम्मद जी ने बीस रुपया सुपर थैंक्स भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद आरिस मोहम्मद जी कामना कुमार सेट्टी जी ने चालीस रुपया सुपर थैंक्स भेजा आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो इस तरह से मैं सुपर थैंक्स वालों को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे करके सुपर थैंक्स का भाग खत्म करता हूँ और अब आगे अगले मैं चाहता हूँ कि फॉलोअर्स मेरे आगे पर्सन पूछे तो मैं उनको जवाब देता हूँ और आप अपने पर्सन पूछिए मैं एक सेकंड के लिए अभी इसमें देखूंगा ध्यान से और भाग्यशाली का प्रसन्न चुना जाएगा देखो देख रहे हो आप प्रसन्न तो पानी की तरह चल रहे हैं मैं रोकूंगा बीच में और भाग्यशाली का पर्सन चुना जाएगा मनोज लिखर जी कह रहे हैं नमस्कार गुरु जी मेरा प्रश्न कि हम केवल ही शेयर क्यों लें और तथा टारगेट ही क्यों रखें मैं तो पच्चीस शेयर लेना चाहता हूँ मनोज लिखर जी ये कह रहे कि हम जो दस शेयर क्यों लें और टारगेट जो पत, जो है छह परसेंट क्यों रखें मैं तो टेन परसेंट का रखूंगा पच्चीस शेयर लूंगा तो आपकी एक पहली बात तो यह है कि आप पच्चीस लो भले यह तो मैंने उनके लिए बताया था छोटी कैपिटल वालों के लिए बताया था जिनके पास दो लाख रुपये है जिनके पास दो लाख रुपये है तो मैंने कहा था कि डेढ़ लाख तो आप इसमें लगाओ और पचास हजार एस के लिए रखो लोगों ने सोचा म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड के लिए पचास हजार एवरेजिंग के लिए रखो कि एक बटा पंद्रह भाग में जो शेयर गिर गया उसको एवरेज करेंगे हम और वो भी मैं कह रहा हूँ कि सभी में एसआई पी करनी जरूरत नहीं है जो मेरे वाली विधि से चलो आपके पोर्टफोलियो में जो सबसे आखिरी में गिरा गिराव शेयर हो पहले उसी में एसआईपी शुरू करो फिर वो एसआईपी की ताकत से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो आपका हौसला बढ़ेगा देखो मैंने सबसे आखिरी वाला जो था उसको थोड़ा ऊपर भेज दिया फिर आप जो दूसरा सबसे आखिरी में आ जाए उसमें चालू करो तो इस तरह से रहेगा और आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कि प्रति प्रति शेयर आप मतलब ढाई लाख के स्टेप तक आ गए उसके बाद आपको ऐसा भी करना है पैसा कहाँ से आएगा तो प्रति शेयर ढाई लाख तक के स्टेप तक आए तो ढाई लाख आपको डिविडेंट भी मिला है उसको एल्टी गिट बीज में रखिए लिक्विड बीज से भी अच्छा ढूंढा है मैंने आजकल मैं खुद एल्टी गिट बीज में रखता हूँ आजकल एल्टी गिट बीज लिक्विड बीज से अच्छा क्यों है इसके बारे में मैं आप बाद में एक अलग से वीडियो ले आऊंगा अभी तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी इसके अंदर तो टारगेट छः परसेंट क्यों रखें अब मैं वैसे तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब ज्योतिष का भी बोल दूं कि छह अंक जो है बुध ग्रह का अंक है बुध ग्रह व्यापार का प्रतीक माना जाता है बुध ग्रह का अंक आप नेट पे सर्च करना बुध ग्रह व्यापार से संबंधित है व्यापार का प्रतीक जो छह होता है छह अंक है तो अब आप ये मत सोचो मैंने पूरी तरह से ज्योतिष पे रखा है ज्योतिष का पता नहीं वो ज्योतिष वाले हमारे पुराने लोग जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे गणितज्ञ थे गणित में आपने देख लिया छह के अंक से कितना मतलब कमाल हो रहा है और उनका मैंने ये देखा कि छः परसेंट टारगेट मैंने रख रख के देखा है ना मैंने तीन परसेंटेंट भी रख के देखा है मैंने चार भी रख के देखा है मैंने पाँच भी रख के देखा है मैंने छह भी रख के देखा, देखा, देखा है मैंने साथ भी रख के देखा है मैं आज का तो वो नहीं दो हज़ार चार से शेयर बाजार में हूँ दो हज़ार चार पाँच से तो लगभग लगभग लग बीस साल हो गए मुझे तो मैंने सारे टारगेट रख रख के देखे हैं पहले मैं पुरानी मेरी बुक्स में मिल जाएगा आपको पंद्रह परसेंट टारगेट रखने को मैं खुद रिकमांड करता था लेकिन पंद्रह परसेंट आता नहीं पहले ही शेयर छः साल परसेंट बढ़ता उसके बाद शेयर गिरना शुरू हो जाता तो एक प्रकार का ये मैजिक अंक उन पुराने जमाने के गणितज्ञों का निकाला मैंने देखा कि बहुत फिट बैठता है बहुत ही फिट बैठता है मैंने एक एलकेमि विधि बनाई थी उस एलकेमिस्ट विधि में मेरे जो फायर इन इंडिया वाले फॉलोअर है कृष्णा जी है उन्होंने अलग अलग टारगेट से शोध करके देख ली एक सीट बढ़ाई सब तीन परसेंट टारगेट रखते प्रॉफिट होता है एलकेमि विधि में चार परसेंट रखते तो यह प्रॉफिट होता, होता, तो होता पांच रखते तो ये होता छह रखते तो ये होता सात रखते तो ये होता आठ रखते तो आखिर उनको मानना पड़ा कि महेश सर ने बहुत ही रिसर्च करके छह परसेंट रखा है छह परसेंट को कोई भी टारगेट बीट नहीं कर पाया छह परसेंट में आपका पैसा दोबारा रोटेट होता है तो आपने देख लिया कंपाउंडिंग की शक्ति क्या होती है तो इसमें उन पुराने लोगों का पुराने जो मतलब ऋषि मुनि थे ज्योतिष के जो पुराने ऋषि मुनि थे महर्षि कर्णा दी उनका विज्ञान जुड़ा हुआ है इसमें तो इस विज्ञान की वजह से चैप्टर रखो रखो बाकी तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है वो आपको सीट मेंटेन करने में जोर नहीं आना चाहिए <coughs> किसी आदमी के मतलब दस ही बेटे के गारंटी नहीं है सुबड़ू पच्चीस बेटे पैदा कर दे दस ही कर दे सुबड़ू के बाद सुबड़ू में मतलब दम होना चाहिए पैसे का दम होना चाहिए ठीक है सुबड़ू के अंदर ज्यादा पैदा कर सकता है मेरे को मतलब आपका पैसा होना चाहिए इतना क्लाउड 83 क्लाउड 83 जी कह रहे हैं मेहर जी मैं इस समय बेरोजगार हूं शेयर बाजार में लिए नया है क्या से सफर शुरू करूं या कोई और ऑप्शन सही रहेगा कृपया कर करके मार्गदर्शन करें देखिए अब आपके पास कितनी रिस्क लेने की क्षमता है मार्केट गिर जाता है तो आप कितना परसेंट तक घबराते हैं डरते हैं अब एच बैंक गिर गया आज साढ़े चार अंक सा मार्केट गिर गया मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा मेरे फॉलोअर्स के भी कमेंट जिन्होंने डार्वस बॉक्स थ्योरी से काम किया था एस मेथड से काम उनका भी कमेंट है कि सर कमाल आज मार्केट इतना गिरा लेकिन हमारे शेर तो अभी भी जो है एटी परसेंट पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखाई दिखाई दे रहे हैं तो अब आप, आप नए हो इसलिए आपके डरने के चांस ज्यादा है ईटीएफ में भी करते हैं तो ई की दुकान वाली जो सीट है उसमें आप आ सक नहीं अब लोग बाग डर गए कि साहब दिन से उसमें तो आ रहा है लेना ठीक हो गया क्यासिंग गिरता जा रहा है क्योंकि जब गिरते में खरीदना आपको अच्छा महसूस होता ही नहीं आपको तो बढ़ते में खरीदना है फिर स्टॉप लॉस लगा के मर के बाहर निकलना है तो गिरते में खरीदना तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा तो आप इस तरह से यदि कोई ETS में भी लगाना चाहते हैं तो ईटीएफ की दुकान वाली सीट का तो इस्तेमाल करो कि जो तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है उसको भले ही ले लो उसके अंदर स्मार्ट एवरेजिंग विधि भी है आप आशी आइस का टू पॉइंट सेवन फाइव परसेंट नीचे लो मेरी एक स्मार्ट एवरेजिंग विधि का वीडियो भी है उससे देख रहे स्मार्ट एवरेजिंग विधि से एवरेज कर सकते हो धीरे धीरे आपके यहाँ पूंजी कम रहता है आप स्मार्ट एवरेजिंग विधि का यूज करो ईटीएफ के अंदर बाकी तो मैं मेरा खुद का मेरा बेटा मैं कह रहा ना आपको अठारह साल का और नए बेटे को मैं मार्केट में पहली बार ही लाऊंगा यही विधि पकड़ाऊंगा मैं तो सीधे सुपड़ू वाली और आपको धीरे दिर धीरे समय समय पर उसका व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसे उसको मैंने जीरो दा में खाता खुलाया कैसे मैंने उसको ये विधि पकड़ाई वगैरह सब मैं आपको नए लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी वो सब समय समय पर दिखाऊंगा और तो बाकी तो मैं क्या राय दूं आप स्वयं समझदार है आप खुद अपने विचार करें अब देखिए प्रश्न सुनते हैं हम नए हैं कैसे चालू करें शेयर बाजार इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कॉमर्स बॉय जी हैं और दिनेश बिश्नोई जी कह रहे हैं बी एच बी डी वाला फिल्टर क्या है बी एच बी डी वाला फिल्टर बॉटम आउट एंटिंग इसको कहते हैं बॉटम आउट एंटिंग फिल्टर मैंने ये लगा रखा है कि जब कोई शेर उसके ईयर लो से बढ़ता बढ़ता ऊपर आए देखो एक तो ईयर आई से गिरता गिरता है ईयर आई से गिरता गिरता है तो हम जब जिस दिन शेर खरीदते हैं उसे पीछे मुड़ के देखिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी जो मतलब डाल रखा है रुक जाए दीव दीवाने पीछे तो देखो जरा तो पीछे मुड़ के देखो उसके तो आपको जो ईयर आई दिख जाए पीछे यानी आपके जस्ट पीछे अभी मान लो जनवरी चल रहा है दिसंबर में ये राई दिख जाए नवंबर में ये राई दिख जाए तो मतलब वो शेयर ईयर आई से गिरते गिरते आ रहा है और आप पीछे मुड़ के देखेंगे उसमें ईयर लो दिख जाए यानी ईयर आई और ईयर लो में यहाँ आप शेयर खरीद रहे हैं आप यहां खड़े हैं यहाँ पर आप खड़े हैं आप पीछे यहां ईयर आई खड़ा है यहाँ ईयर लो खड़ा है तो आपको शेयर नहीं खरीदना लेकिन आप यहां खरीद रहे हैं यहाँ ईयर लो खड़ा है यहाँ आई खड़ा है तो आपको उसको कहते हैं बॉटम आउट आउटंटी यानी शेयर नीचे से ऊपर बढ़ रहा है और ईयर आई से गिर रहा है तो ऊपर से नीचे गिर रहा है वो बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर है उसके मैंने आजकल जो भी सीट बनाता हूँ पहले बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर अवश्य लगाता हूँ तभी इसके अंदर ये कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट वाली सीट में जो आठ दस ही शेयर आ रहे हैं इसीलिए उसमें सब में बॉटम आउट हंटिंग वाला फिल्टर लगा हुआ है और इसके अंदर अब आप शेयर आने के बाद गिर भी जाता है मैंने देखा है कि वो जल्दी रिकवर हो जाता है जो मैंने डी बैंक की रिकमेंडेशन दी थी ना एस मेथड में जो मैंने डी बैंक डाला था वो असल में मैंने कंसोलीटेड ब्रेकआउट सीट से पहले डी बैंक लिया था फिर वो गिर गया फिर वो गिर गया और कम हो गया उसके बाद सेबी का नियम है मैं कि मैं कोई शेयर खरीदता हूं तो रिमांड नहीं कर सकता तो उसको खरीदे मुझे एक से ऊपर हो गया था उसके बाद ये बॉटम आउट हंटिंग भी हुआ हुआ है तब मैंने इसको लोग मुझे बोल भी सर आपके डाटा बैंक से देखते हैं तो दूसरे बहुत से अच्छे से आ रहे हैं डीसीबी बैंक में चूज किया तो मुझे मेरे दिमाग में था कि आउट आउटिंग सीट में आया हुआ है और ये इस मतलब कंसोलिडेट ब्रेकआउट सीट में भी आने के बाद गिरा है तो ये जब मार्केट बढ़ेगा वो अक्टूबर की बात थी अक्टूबर नवंबर की उसमें मार्केट गिरा हुआ था पूरा मार्केट गिरा हुआ था भी बैंक भी गिरा था मुझे पता था जब भी मार्केट बढ़ेगा डीसीबी बैंक सबसे ज्यादा बढ़ेगा सबसे पहले बढ़ेगा फिर आपको पता पता चली कि आप लोग पूछते हैं कि सब नई रिकमेंडेशन कब लेके आ रहे हो तो मैं बड़ा बदमाश हूँ मैं सोच समझ रिकमांडेशन लाता हूँ मुझे मेरी नाक नहीं कटवानी ये नाक है ना मैं नाक को मेरी बचा के रखना चाहता हूँ इसे मैं बहुत सोच समझ के इस तरह से देखता हूँ कि ब्रेकआउट हो गया बॉटम आउट एंटिंग हो गया सब मुझे पूरी तरह से सेटिसफेक्शन हो जाता है उसके बाद ही मैं रिकमेंडेशन लाता हूँ कि सीवी के नियम भी है कि मैं खुद खरीदता हूँ आपको बता नहीं सकता तो तीस दिन मैं इंजार भी करता हूँ कि मेरे खरीदें तीस दिन पूरे हो जाए से तो के नियमों से चलूँ मैं उसके बाद में पाँच दिन खुद नहीं खरीद सकता आपको बताने के बाद में तो इन सब नियमों की मैं पालना करता हूँ इसके बाद ही मैं आपको कोई रिकमेंडेशन डालता हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जल्दी नई रिकमेंडेशन ले कर आऊँगा आप चिंता मत करना और चलिए अगला पर्सन लेते हैं बीच में ये फंडिंग वाले आ गए खूब सारे तो पहले इनको जवाब जवाब देना हो सके भी इनको भी क्योंकि ये कहेंगे भी हमने से पैसा भेजा फिर सर ने हमारा नाम ही नहीं पड़ा सचिन गुप्ता जी ने सौ रुपए की सुपर थैंक्स भेजी है गुरु जी प्रणाम तो प्रणाम सचिन गुप्ता जी आपको बहुत बहुत प्रणाम और सर वाट शुड बी द बिगनर स्ट्रेटेजी बिजनेस एजूटेक ने कहा एक सौ एक रुपये भेजते हुए उन्होंने कहा कि बिगनर के लिए क्या स्ट्रेटेजी है सबसे बढ़िया तो ए की दुकान है उसमें भी वर्जन वन वाली ज्यादा बढ़िया है वर्जन वन ई की दुकान में मैं तो यूज करता हूँ क्योंकि उसमें क्या है सोना चांदी के ई भी वर्जन वन में साथ में चलते हैं तो जिससे मतलब शेयर मार्केट बुल रन में होता है तो कुछ सोना चांदी के ई आते रहते हैं और जब शेयर मार्केट बियर फेज में होगा तो सोना चांदी वाले ऊपर बढ़ेंगे तो इस तरह से ओवरऑल आपको अच्छा रहता है और ज्यादा इसके अंदर ट्रेड नहीं होती सोना चांदी अलग अलग करते हैं तो ज्यादा ट्रेड होने के आसार रहते हैं इस वजह से मैं इसको सबसे बढ़िया तो वर्जन वन को ही मानता हूँ उसके नए व्यक्ति इसमें करें और जो ए टी की दुकान वाले में टू पॉइंट सेवन फाइव परसेंट आखिरी ग्राउट से एवरेज आउट नहीं करना चाहिए जिनका पैसा कम है वो स्मार्ट एवरेजिंग विधि यूज कर ले उसमें ये होता है पहली एवरेज आउट हम कब करते हैं एवरेज प्राइस के पांच परसेंट गिरने के बाद करते हैं दूसरी एवरेज आउट हम कब करते हैं एवरेज प्राइस के दस परसेंट गिरने के बाद करते हैं यानी एवरेज प्राइस समझना पांच परसेंट गिरने जब एवरेज आउट हो गया उसके बाद जो एवरेज प्राइस आया उसका भी दस परसेंट गिर जाए पहली खरीद के दस परसेंट नहीं एवरेज प्राइस के दस परसेंट गिरने के बाद तीसरी एवरेज आउट हम एवरेज प्राइस के पंद्रह परसेंट गिरने के बाद करते हैं और मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि कभी भी ई में मुझे ऐसा नहीं लगा कि चार बार से ज़्यादा आपको एवरेज आउट करना पड़ा हो कैसा भी खराब से खराब ई का प्रदर्शन मैंने देखा तो जिनको ये एंगसेंग बीज ई से डर लग रहा है जिनको मार्क टेक ई से डर लग रहा है वो इस तरह की विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं स्मार्ट एवरेजिंग विधि का और बाकी मुझे तो मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है मैं तो ईटी दुकान और विधि से प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब एफ वगैरह इंडिया के मार्केट से पैसा निकालेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे उस तरह के मार्केट में पैसा ही डालेंगे तब उनको उसके वैल्यूएशन बड़े आकर्षक दिखेंगे अपना वैल्यूएशन उनको बहुत हाई दिखेगा उस समय और वो समय आएगा कब ये मुझे पता नहीं है चलिए आगे पढ़ते हैं अब इनको विद विद इन इन ने सौ रुपये क्या मंथली इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं जैसे पचास के हर मंथ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हो भाई आपकी मर्जी आप बढ़ाओ पचास के पर मंथ ऐड करो मैंने आपको बताया कि जैसे अब आप जो है दो लाख रुपए से क्यों डालते हो कल आगे लोकसभा चुनाव भी आएंगे मैंने खुद भी मैंने कहा मेरे बेटे का मैं खाता खुलाऊं तो उसको मैं पंद्रह हजार रुपए नहीं बीस हज़ार रुपये हर महीने दूंगा दो लाख रुपए देने दस महीने में दूंगा उसको एक महीने में बीस हजार ही दूंगा पहले महीने में एक शेयर खरीदेगा पंद्रह हज़ार का और पांच हज़ार रुपये एल्टी ग्रि्ट बीज में रखेगा लिक्विड बीज की तरह एक एल्टी गिट बीज है जो लॉन्ग टर्म गिट पे चलता है यानी लॉन्ग टर्म के जो आठ साल और तेरह साल के गवर्नमेंट के बॉन्ड है आठ से तेरह साल के वो गवर्नमेंट के बॉन्ड लेता है लॉन्ग टर्म के एल्टी गिट बीज लिक्विड बीज से उसका फायदा है लिक्विड बीज हजार रुपये का पड़ता है वो एल्टी गिट बीज पच्चीस पच्चीस रुपये का ही शेयर है तो उसमें आपने लिक्विडिटी अधिक रहती है अपने को ईजी रहता है खरीदना उसका और लिक्विड बीज में डिडेंट का हिसाब किताब लोगों को कम समझ में आता है और में ऐसा है कि वो आठ से तेरह साल के गवर्नमेंट के बॉन्ड है उसमें जो जो टाइम बीतेगा धीरे 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 उसका भाव भी बढ़ेगा उसमें इस तरह से चलते हैं तो मैं मेरे बैठे हुए इसी तरह करूंगा कि बीस हजार रुपए पर मंथ उसको दूंगा तो एक शेयर खरीदेगा पंद्रह हजार का सुपड़ वाली बीती से और पांच हजार रुपया तो ऐसे करते करते दस महीने में पूरा लोकसभा चुनाव बीत जाएगा परिणाम भी आ लेंगे दस महीने में उसका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बन के होगा तो अब आप कहे पचास हजार रुपये ऐड करो तो इस विधि से भले ही कर, करते पर्सन पूछा था नहीं नहीं ने की, मतलब दस, दस बेटे क्यों रखें हमारे तो पच्चीस बेटे रखेंगे तो ऐसे आपके बेटों की संख्या बढ़ाते रहना उसमें तो इनका जवाब मिल गया है बीस रुपये सुपर चेट भेजी है इनका धन्यवाद सागर जी ने सौ रुपये सुपर भेजी है इनका धन्यवाद तो मेरे ख्याल से मैंने सुपरचेट वालों का सबका नाम ले लिया लगता है फायर इन इंडिया जी ने पंद्रह सौ एक रुपये की सुपरचेट भेजी है कृष्णा कर, जी है फायर इन इंडिया इनका चैनल है इन्होंने लिखा है, प्रणाम गुरु जी आप दोनों को लाइव देख कर बहुत अच्छा लगता है हाँ नमस्कार कर दो हाँ और ये एक आगे हैं काल से जी ने तीन सौ रुपये की सुपर चेट भेजी है गिफ्ट फ्रॉम ई टी एफ दुकान गुरु दक्षिणा देखो मैंने कहा था ना कि मैं मेरे गुरु जी के जाता हूँ मैंने सुपरचेट लेने से इसीलिए मना नहीं करता अब लोग सोचते हैं कि आप तो लालची हैं सर सुपरचेट वालों का जवाब दे रहे हैं तो लालची की बात नहीं है मैं मेरे गुरु जी के यहाँ जाता हूं मैं उनके चरणों में सो दो सौ पांच सौ रुपए रखू गुरु जी के मारे मैं तो मेहनत हूँ नहीं लेता तो अच्छा लगेगा क्या तो इसलिए लोगों की एक भावना होती है ये जो सुपर सेट भेजें इनकी भावना है मैं इनकी भावना का सम्मान करना चाहता हूं लाइव में यदि कोई बेहता है तो मैं उसको मना नहीं करता और अभिमन्यु मनय कालानी जी ने पांच सौ रुपये सुपर सेट भेजी है गुरु जी एवं गुरु मा को प्रणाम आपकी बेहतरीन किताबों का धन्यवाद आपकी बताई की मेथड से अच्छा प्रॉफिट हुआ है मेरा सवाल यह है कि आप एक ऑफलाइन ट्रेनिंग कब लेंगे ताकि हम आपसे मिल सके देखो पहले मेरा प्रोग्राम था बहुत अच्छा प्रोग्राम था कि मैं माउंट आबू में आप लोगों को घुमाता भी और एक मीट टूगेदर रखता माउंट आबू में लेकिन बीच के अंदर उस समय दो के करीब बात है ये बीच, बीच में कोरोना आ गया और कोरोना ने आके अपने सारे पानी प्लान पे पानी फेर दिया और अभी मैं अहमदाबाद आया था मैंने मेरे ब्लॉग पर लिखा भी था गलती हो गई कि मैंने महसकौसी वाले ब्लॉग पे लिखे महेश सीमा की रसोई ब्लॉग्स जो चैनल है हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल हम जहाँ भी जाते हैं अहमदाबाद यात्रा के तीन वीडियो बना के डाले हमने उसमें घूमने वाले हम वीडियो उसमें डालते हैं तो उसमें मैंने लिखा तो उसके ज़्यादा फॉलोअर नहीं आठ नौ हज़ार लोग ही फोर कर फॉलो करते हैं उस चैनल को ब्लॉगिंग चैनल को तो उसमें कोई अहमदाबाद मेरे से मिलने ही नहीं आया तो मुझे फिर मुझे पता भी पता चल गया कि मैं बहुत महान आदमी हूँ थोड़ा ज़्यादा ही लोगों लोगों में फेमस हूँ इसलिए कोई मिलने नहीं आया होगा तो मैंने वहीं इंजार किया आप लोगों का तो ऐसे मैं किसी सिटी में आऊँगा तो आप लोगों को मैसेज किया करूँगा वहाँ अपने मीट टुगेदर कर लेंगे मैं सबसे बेस्ट ये समझाए कि कभी मैं जैसे बड़ी सिटी में कहीं जाता हूँ जयपुर में अहमदाबाद में बॉम्बे में तो उस समय आप लोगों को मेरे पोस्ट के माध्यम से ब्लॉग पोस्ट या कम्युनिटी टेप के माध्यम से सूचना कर दूंगा अब आप लोग मिलने आ, मिलने आ जाना तो आपके देखते हैं आपके कौन कौन मिलने आता है और चलिए आगे मेरे ख्याल से मैंने सबका नाम ले लिया है कोई रह गया हो तो भाई बुरा मत मानना क्योंकि नाम इसमें कहीं दिखाई भी नहीं देते अमित कुमार जी ने एक हजार रुपये की सुपर थैंक्स भेजा है सर चर्ण स्पर्श आपकी ई की दुकान और एस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अब तक 4.25 लाख का प्रॉफिट कमा चुका हूं इस साल में थैंक यू सो मच तो आपको सवा चार लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है अमित कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसी से मुझे बहुत खुशी मिलती है देखो जो लोग सच्चे मन से फॉलो कर रहे रहे हैं हैं जो सच्चे मन से मेरी को है, सच्चे मन मन से से मेरी वीडियो को मान फॉलो करते हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं है और जो नए नए अनाडी होते हैं कई बार डर जाते हैं वगैरह तो देखो छोटी मोटी मार्केट मार्केटिंग उतार चढ़ाव को सेंड करना भी सीखना चाहिए तभी मैं जो किताबें रिकमांड करता हूँ उनको आप अवश्य पढ़िए उसी से आपका ज्ञान बढ़ेगा किताबों से आपको पेशेंस बढ़ेगा धैर्य बढ़ेगा ज्ञान बढ़ेगा तभी आप सही ढंग से इसके अंदर पैसे कमा पाएंगे तो अब ये सुपर चैट वालों का मैं जवाब देना बंद करता हूँ और लाइव चैट लेता हूँ लाइव चैट में आप लोग जो जो प्रश्न पूछेंगे कोई भाग्यशाली का प्रश्न अभी चूज करता हूँ तो आप अपना प्रश्न भेजना स्टार्ट रखें और कुछ ज़्यादा ही खटका दबा दिया है जो था वही बंद हो गया अच्छा राजेश पुष्प राजेश पुष्पदीप गुप्ता जी कह रहे हैं वाई मार्क टेक एंड एंगसेंग बीज नॉट रिकवरिंग सर देखिए अभी

फिर उसमें से एक साथ पैसा निकालते हैं तो सब लोगों का पैसा भी लेकर निकल जाते हैं फिर दूसरा मार्केट जो बियर मार्केट उन्होंने पाँच छः सालों से कर रखा होता है फिर उसमें जाके पैसा डाल देते हैं मैं ऐसा मानता हूँ ये मेरी थिंकिंग में आपको आपको जो बता रहा हूँ इसलिए देखो मैंने तो एगसेंग बीज में मार्क मार्कटेक में इनमें सब में एस वगैरह स्टार्ट कर रखी है एस करती है कि महीने के मैं कुछ शेयर लेता हूँ ई e की दुकान वाड़ी विधि भी इनमें मैं मैंने शुरू कर रखी है जो कि मेरे अलग अलग जगह मैंने आपको बताया था तीन ब्रोकर में खाते हैं मेरे आई वाले में एस आई पी कर रखी है मैंने और जीरोदाह मैं, वाले खाते में ईटीपी टी दुकान वाली विधि भी शुरू कर रखी है मुझे इसमें को, कोई कोई डर नहीं लगता मैं मेरे सिस्टम को फॉलो फॉलो कर रहा हूँ पहले जब मैं इनमें जब भी कभी बढ़ेंगे रिकवरी आएगी पहले ईटीपी दुकान वाले बिक जाएंगे दो तीन बार पहले भी बेचे हैं मैंने और उसके बाद वो एस आई पी वाले में आराम से बेचूंगा जब उस वो मार्केट हेंगसेंग और मार्ग टैगो ये बुल रन में आ जाएंगे तब सब लोग कहेंगे साहब चाइना मार्केट पैसा लगाओ चाइना मार्केट बहुत बढ़ रहा है ये हो रहा है फलाना रहा है तब मैं उसको आराम से बेचूंगा शांति से फाइजी की तरह तो अब ये अगला प्रश्न आता है मोहन गो पालन सर जी शेयर बीस परसेंट किरण का बात कितना शेयर पंद्रह हजार इन्वेस्ट में प्लान में हम लोग सिप करना चाहिए कब तक करेगा और कितना शेयर अमाउंट हर महीना डालना प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा देखो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है ये लाइव चैट जब खत्म हो जाए तो इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी आपको उस रिकॉर्डिंग में देख लेना कि कोई शेयर यदि 20 परसेंट से ज़्यादा गिर जाए आपने इस विधि से, से शेयर खरीदा है 20 परसेंट ज्यादा गिर जाए तो उसमें ऐसे हाथ ऊपर करके तो मत बैठिए मुझे मारो मुझे मारो ऐसा मत करिए ठीक है ना मार्केट वाले तो आपको फिर जो मारते ही रहेंगे उसमें बाहर निकलने का प्लान भी कीजिए तो अब हर 20 परसेंट से ज्यादा गिरे शेयर में आप इस तरह से एस करेंगे तो आपके बाद एसआईपी करने का पैसा भी कम पड़ने लगेगा वो शेयर यदि छह सात महीने गिरा हुई रहा एस में आपने पांच हजार दस हजार डाल दिए तो आपको घबराहट होने लगेगी इसलिए मेरे वाली विधि करिए मैं विधि इसमें यह करता हूं पोर्टफोलियो में जो सबसे आखिरी शेयर हो आपके इस विधि में आपने मान लो मतलब दस शेयर लिए दस शेयर में जो सबसे आखिरी पे है, और बीस परसेंट से ज्यादा गिरा हुआ है दोनों शर्तें पूरी करता है एक तो वो आपके दस शेयरों में जो मान लो दस शेयरों में दस के दस नहीं अटकेंगे आपके दस के दस नहीं फंसेंगे पर कभी ऐसा हो जाए बिहारन आ जाए दस शेयरी फंस जाए दस शेयरी फंस जाए तो दस के दस शेयरों में जो सबसे आखिरी में चल रहा है और जो बीस परसेंट से ज्यादा गिरा हुआ है उसमें एक बटा पंद्रह भाग उस शेयर में एस आई पी करनी है लोग एसआईपी करते समझते म्यूचुअल फंड में ही होती है शेयर में होती नहीं शेयर में एसआईपी मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से एक बटा पंद्रह भाग से उस शेयर को ही खरीदना है यानी एवरेज आउट करने के लिए उस शेयर को ही खरीदना है और जब तक खरीदना है जब तक कि वो छह परसेंट प्रोफिट में नहीं आ जाए लेकिन जब वो सबसे आखिरी वाले स्थान को छोड़ गया दस शेयर है मान लो आपके पोर्टफोलियो में मेरे पोर्टफोलियो में तो तीस पैंतीस शेयर भी होते हैं तो सबसे आखिरी वाले में एस आई स्टार्ट करता हूँ फिर वो सबसे आखिरी वाले स्थान को छोड़ गया तो मान लो मेरे पोर्टफोलियो में पैंतीस शेयर है तो पैतीस नंबर पर जो सबसे आखिरी वाला शेयर था उसे मैंने ऐसे भी प्रारंभ की ग्लैंड फार्मा था वो मैं आपको नाम भी बता दूं ग्लैंड फार्मा इससे पहले जो पेट्रोनेट एल था तो पेट्रोनेट एल तो मैंने प्रॉफिट ही बुक कर लिया छह परसेंट मुझे दे के गया वो तो आउट ही हो गया उसके बाद था ग्रैंड फार्मा तो ग्रैंड फार्मा भी अब जो है बहुत ऊपर आ चुका है उसके बाद उसकी जगह ले ली बायोकॉन ने तो फिर मैंने बायोकॉन में एस आई स्टार्ट कर दी ग्लैंड फार्मा भले ही ऊपर आ गया एस तब तक चलती रहेगी जब तक वो ग्लैंड फार्मा मुझे छह परसेंट प्रॉफिट देकर नहीं चला जाए बायोकॉन में एसआई भी स्टार्ट कर दी फिर आ गया बंधन बैंक तो बंधन बैंक में मैंने एस आई पी स्टार्ट कर दी फिर आ गया एस बी आई कार्ड एस बी आई कार्ड आ गया सबसे आखिरी में अभी सबसे आखिरी में।, में, में मेरे एस बी आई कार्ड का शेयर उसके अंदर पोर्टफोलियो में चल रहा है तो इस तरह से ये सब ऐसे क्यों हुए अब आप कहोगे आप इतने होशियार थे आप लैंड फार्मा क्यों फंस गए आप बायोकॉन में, में, में क्यों फंस गए आप बंधन बैंक में क्यों फंस गए आप पेट्रोनेट में क्यों फंस गए पेट्रो तो मैंने बेच के निकाल भी दिया लेकिन लेकिन पेट्रोनेट की मेरी आई के खाते में एस चल रही है क्योंकि पेट्रो के बारे में मैंने आपको बताया था कि काफी अच्छा शेयर है अभी एक मैंने वीडियो भी डाला था उसमें आई खाते में मेरे एस आई से पेट्रो आगे चल रहा है जी एफ जीरो खाते की बात हो रही है तो मैंने उसको मतलब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था उसमें ट्रेडिंग करके मैं प्रॉफिट कमा के बाहर निकल गया अब आपके यहाँ आप इतने होशियार थे तो ये शेयर आपके अंदर क्यों फंस गए तो उससे मैं बी फिल्टर का ध्यान नहीं रखता था 2019-20 के करीब मैं बी एस फिल्टर का आविष्कार मैंने बाद में किया कि बॉटम आउट बड़ा आउटिंग पोस्ट से देखो कि शेयर उसके ईयर आई से गिरता नहीं आना चाहिए ईयर लो से बढ़ता आना चाहिए तो वही शेयर लो तो जब से मैंने बी एस का आविष्कार किया उसके बाद कोई भी शेयर पोर्टफोलियो में आठ दस पंद्रह परसेंट से ज्यादा गिरता ही नहीं तब बीस परसेंट मैंने आपको हाइएस्ट रेंज दी है मैं आपको शेयर पकड़वा रहा था वो बी एस फिल्टर पकड़वा रहा था तो मैंने आपको हाइएस्ट रेंज दी थी उसके अंदर बीएस फिल्टर की चलिए जरा आगे देखते हैं कि इसकी एस आई पी आ रही है एक जन का निमंत्रण पड़ा कि महेश सर आप तो दिल्ली आइए नाम तो पढ़ना रह गया मेरे से नाम वो दोबारा भेजेंगे तो अभी मैं सामने आ गया तो पढ़ के बता भी दूंगा उनका तो बिल्कुल मैं दिल्ली भी आऊंगा तो आपको अवश्य बताऊंगा और अब तक चलिए देखते हैं मोहित रामदेव जी कह रहे हैं आपकी कितनी पुस्तक है हमें अभी के हिसाब से कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए सुझाव दिलावें तो देखो जो नए हो तो आप भी बनिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो पढ़िए नए नए थोड़े थोड़े पुराने हो तो अब्दुल सहबजान में जीरो से हीरो कैसे बना वो पढ़िए और भी ज्यादा हो तो फोर्टी वन जो ट्रेडिंग टिप्स पढ़िए फोर्टी वन ट्रेडिंग टिप्स ऑप्शन में काम करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं और साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़िए आप एस आई पी करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह कमाना चाहते हैं तो एस आई पी के चमत्कार से आर्थिक आजादी कैसे पाएं वो पढ़िए और आप मेरी सबसे पहले वाली पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो शेयर बाजार में सफल कैसे हो वो पढ़िए थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो चंदू ने कैसे कमाया और चिंकी ने कैसे कमाया वो पढ़िए पहले इस पुस्तक में मैंने सीमा जी की लगार की थी फोटो चिंकी के रूप में इनकी फोटो थी और बाद में प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक का जिल्द चेंज कर दिया पहले मैं खुद छापता था तो बहुत पुरानी बात है उस समय की और फिर उसके बाद फोटो चेंज कर दी प्रभात प्रकाशन ने कुंदन ठाकुर जी कहने गुरु जी आपका अपना ब्रोकेज फर्म कब खोलोगे वी विल वेटिंग भाई मैं ब्रोकेज फर्म फरम नहीं खोलूंगा मैं तो ऊपर जाऊंगा ठीक है ना चूँकि क्योंकि अब क्या है कि ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाएगी उसके बाद धरती पर कब तक रहोगे आप लोग सारे दिन खाओ खाओ पैसा कमाओ कमाओ ऐसे में मुझे तो करना नहीं आता और बच्चों को मैं धीरे धीरे सिखाई रहा हूँ मैंने कहा मेरा बच्चा अठारह साल का वगैरह हो गया है उसको शेयर बाजार सिखा रहा हूँ धीरे धीरे और पचास साल की उम्र मेरी हो ही गई है जीवन का आधा सफर मैंने पार मतलब मैं तो कर लिया है और अब जो है जीवन का आधा सफ़र बाकी उतार में ही है तो इसलिए अब जो है ब्रोकेज फर्म वर्म खोलने का ऐसा कोई मुझे खा खाओ खाओ करने का प्लान नहीं है भगवान ने इतना दिया है मुझे मैं आराम से शांति से रोटी खा सकता हूँ और आप लोगों की सहायता करना ही मेरा उद्देश्य है इसके अंदर पैसे का मुझे कोई भी किसी तरह का लालच इसमें नहीं है तो ये मैंने आपको जवाब जवाब दे दिया विजय जी कह रहे हैं विजय सर नौकरी नहीं हो रही बहुत तंग करते हैं मैं बीस लाख लगा लगाकर स्टार्ट कर सकता हूँ कृपया बताएं भाई मैं मना कर दिया नौकरी छोड़ के मत स्टार्ट करो नौकरी नहीं हो रही तंग करते हैं तो आप किसी अन्य जगह जाके कीजिए नौकरी दूसरी जगह कीजिए लेकिन जॉब के साथ साथ करना किले में रहकर युद्ध करना जैसा है मैं तो किले में रहकर युद्ध करना ही रिकमांड करूँगा आप कितनी बार पूछेंगे तो भी विनायक मुतालिक देसाई जी ने चार सौ रुपए की सुपर थैंक्स भेजी है थैंक यू विनायक मुतालिक देसाई जी और शायद इन्होंने चार सौ चार सौ की दो बार भेजी है और अनिल अनिल बासंतानी जी ने पांच सौ रुपये की सुपर चैट भेजी है अनिल बासंतानी जी ने अनिल बासंतानी जी नाम इनका सर एसटीपी कंपाउंड में ट्वेंटी डेज लोक काटने पर भी शेयर परचेज़ कर सकते हैं क्या एस कंपाउंड में ट्वेंटी डेज लो काटने पर भी देखो लो काटने पर शेयर परचेज नहीं करना अब नहीं बताता लो काटने पर तो बेचना बताते हम ये उल्टा पढ़ लिया आपने तो एस मेथड का वीडियो जो है आप दोबारा जाके, जाके देखिए और एस टी पी में ट्वेंटी डेज़ हाई हाई वाली बात आती है तो आप वो वीडियो आप फिर से जाके देखिए एस टी पी का आपने पूरा वीडियो समझा नहीं है शायद आप अच्छी तरह जाके उसको समझने का प्रयास कीजिए तभी आपको आगे मज़ा आएगा डॉक्टर आशीष जुनेजा जी ने सौ रुपये की सुपरचेट भेजी है फिजिकल मीट सर प्लीज की कृपया आमने सामने बैठ के मिलने का प्लान कीजिए सर तो बिल्कुल अवश्य करूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको अवश्य कहूँगा अभिषेक उपाध्याय जी ने चार सौ रुपये की सुपरचेट भेजी है यू आर अमेजिंग लिखा है थैंक यू अभिषेक उपाध्याय जी और ये बाकी का नाम मैंने शायद ले लिया है मेरे ख्याल से और किसी का नाम छूट जाए तो भाई बुरा मत मानना और आगे देखते हैं लाइव चैट में आपका सवाल लेना शुरू करते हैं लाइव चैट में आ जाइए, सवाल भेजिए थोड़ा। एलिमेंट्री एजुकेशन पूछ रहे हैं कि दो ट्रेड कब तक पूरी हो जाएगी दो सौ ट्रेड कब तक पूरी हो जाएगी देखिए दो सौ ट्रेड कब तक पूरी हो जाएगी मैंने वीडियो में जवाब दिया था टाइम की कोई सीमा नहीं है टाइम हो सकता है कि आपका एक बेटा तो कंबल जो है एक दिन में बेच के आ गया एक बेटा तीन दिन में बेच का एक बेटा तीन बेच नहीं बेच सका एक बेटा को एक साल हो गया कम्बल नहीं बेच पा रहा है तो इसमें टाइम की कोई सीमा नहीं है लेकिन ये विधि अच्छी इसलिए है ये विधि अच्छी इसलिए है कि इस विधि के अंदर आपको प्रॉफिट जो साथ साथ एक तो आप आधा प्रॉफिट अपने अपने देते रहते हैं तो आपको ये संतुष्टि रहती है कि मैं आधा प्रॉफिट अपने आप को दे रहा हूं और वो आधा प्रॉफिट में भी मैं तो कह रहा हूँ आधे में से भी आधा अपने घर खर्चों में लगाइए बाकी आधा जो है लिक्विड बीज में रखिए अल्टी ग्रिड बीज में रखिए ताकि आगे किसी शेयर में गिरने पर आपको एस मेथड से उसको एवरेज करने की जरूरत पड़े तो आपके पास फंडिंग रहे और आज मेरे एक यहां यहां पे मित्र है चमड़ी के रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब है उन डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब विक्रम जी राव नाम है उनका चमड़ी रोग विशेषज्ञ मेरे अच्छे मित्र है उन्होंने मेरा वीडियो देखा उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात है उन्होंने कहा कि सर तीस ट्रेड के बाद यदि आप मेरी वो दो करोड़ से बीस करोड़ वाली विधि में तीस स्टेप भी पार कर लेते हैं दो सौ तिहत्तर स्टेप की जरूरत नहीं है यदि आप तीस स्टेप भी पार कर लेते हैं तो आपका बेसिक अमाउंट तो वापस आ जाता है पंद्रह हजार तो आपने अपने आपको डिविडेंड दे दिया यानी आपने एक बेटे को पंद्रह हजार के कंबल दिए थे और उसके बाद वो बेटा तीस बार कंबल बेच के आ गया आपने तीस इस से ले परेंट तो आपका पंद्रह हजार रुपये तो निकल गया तो भी आपके से कुछ नहीं जाएगा। जो ऐसा करते हैं ना कि भाई, तो मेरे यदि बढ़ते, बढ़ते जो पच्चीस लाख का स्टेप आ गया उसके बाद मार्केट गिर गया पच्चीस लाख स्टेप के बाद देखो ये मतलब काल्पनिक पर्सन होते हैं काम धाम तो करना है नहीं उनको काम धाम तो करना है नहीं ऐसे पर्सन पूछते हैं बैठ के क्योंकि बहुत दिमाग दिमाग लगाते थे बैठे बैठे कि पच्चीस लाख तक वहां पहुंच गए उसके बाद मार्केट गिर गया फिर एस आई पी आप करते बेटा पंद्रह बाकी करो तो हमें तो इसमें तीन लाख की एस आई पी करनी पड़ी कहाँ से लाएंगे तीन लाख रुपए तो वो ये नहीं देखते कि आप पच्चीस लाख के स्टेप जाते हैं आपने पच्चीस लाख आपने डिविडेंट भी लिया है पच्चीस लाख आपने डिविडेंट भी लिया है इसीलिए एक समझदार प्राणी और मिला था मुझे एक समझदार मित्र मेरे और भी मिले थे उन समझदार मित्र ने मुझे कहा कि सर आप तो दोस्तों स्टेप की बात करते हो मैं एक स्टेप में ही एक करोड़ कर दूंगा एक बेटे के कैसे उन्होंने कहा मैं एक करोड़ होने तक डिविडेंट लूंगा ही नहीं सेल्फ डिफिडेंट नहीं लूंगा मैं सारे पैसे उसी में डाल दूंगा तो देखो इसमें मुझे बात याद आ गई एक स्टोरी याद आ गई कहानी याद आ गई हंसने वाली कहानी बताता हूं कि जब कार का नया नया आविष्कार हुआ कार का जब नया नया आविष्कार हुआ मेरे जैसा एक आदमी कार लेके आया उसने नीचे ध्यान से देखा कि कार के नीचे तीन पैर है एक क्लच प्लेट है एक ब्रेक है एक रेस है उसने कहा मेरे तो पैर दो है और मैंने क्लच प्लेट फालतू ही लगाई है तो उसने सबसे पहले उस जो क्लच प्लेट को उखाड़ के फेंका क्लच प्लेट फालतू देख के उसको उखाड़ के फेंका कि कार बनाने वाले ने गलती की नीचे दो पैर है तो दो ही पैर होने चाहिए ना ब्रेक और रेस बहुत है इस मतलब कर, कलच प्लेट का क्या सिस्टम इसको दबाओ फिर ब्रेक दबाओ फिर ऐसे छोड़ो धीरे धीरे छोड़न ऐसे तो इसका क्या मतलब है उसने कहा कि मैं कल, कलच प्लेट ही उखाड़ देता हूं तो उसने कार की कलच प्लेट को उखाड़ के फेंक दिया उसके बाद कार चलाई तो कार ढंग से नहीं चली चल नहीं पाई स्टार्ट ही नहीं उससे तब उसने कंपनी को मतलब गाड़ियां निकालने लगा कैसी घटिया कार बनाई है ऐसे ही आप लोग तब मुझे गाड़ियां निकालोगे यानी सिस्टम के अंदर जो बनाया गया है ना बहुत सोच समझ के माइंड से सिस्टम बनाया गया है आप अपने आप को ज्यादा ड्यूडेंट देते हो वो आ सके आपके लिए वो उस समय आवश्यक है कि जब आप स्टेप चढ़ते चढ़ते 25 लाख तक तो पहुंच गए उसके बाद आपको 4 लाख रुपए महीने के एसआईपी करनी पड़ेगी कोई शेयर गिर गया यदि तो उसको एवरेज आउट करने के लिए एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं है उस गिरे हुए शेयर को एवरेज आउट करने के वो चार लाख कहां से आएंगे तो वो जो आधा डिविडेंड आपने अपने आप को खुद को दिया है ना उसमें से आएंगे इसलिए जो है पैसा आपको बीच में आधा पैसा खुद के रखना इसलिए भी आवश्यक होता है आप ये नहीं जल्दबाजी करके मैं तो पूरा ही प्रॉफिट है वो वापस लगा दूंगा पूरा नहीं लगाना आधा प्रॉफिट जो है वो आप यदि घर पे नहीं ले जाना चाहते भगवान की दया से आप घर में खाने पीने को पूरा है दारू दारू नहीं पीनी आपको देखो दारू पीना मना करता हूँ मैं मूफड़ी खाना उसकी तो यदि आपके घर में खाने पीने को पूरा है भगवान की दया से आप पैसा उसमें से नहीं ले जाना चाहते तो लालच मत करो लालच बुरी वाला है मुझे बड़ी खुशी है कि आप में से दो लोग बड़ी शांति से जुड़े हुए हैं और ग्यारह सौ अस्सी मतलब लाइक आ गए हैं इसे मेरा और भी भाषण देने का मन हो रहा है तो लालच बुरी वला है लालच मत करो जो सिस्टम बनाया है कार की क्लच प्लेट को उखाड़ के मत फेंको कार में क्लच प्लेट लगाई है तो कंपनी ने सोच समझ के लगाई है तो जो सिस्टम बढ़ाया है उसको कृपया करके फॉलो करें आधा प्रॉफिट घर पे ले जाएं आपके घर में खाने पीने को आपको जरूरत नहीं आधे प्रॉफिट की तो उसको एल्टी गिल्ट बीज में रखिए या लिक्विड बीज में रखिए या बैंक अकाउंट में रखिए सेविंग में रखिए एफ में रखिए जहाँ जरूरत है वहां रखिए लेकिन रखिए सेविंग अकाउंट में रखा पैसा आपका दोस्त है आपका दुश्मन नहीं है ये बुल मार्केट में दुश्मन जैसा दिखाई देता है बुल मार्केट में लगता है कि क्या दो परसेंट कमा रहे हैं आज ही मेरे पास एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया था कि भाई अभी तो मार्केट बढ़ रहा है और खाते में बैंक खाते में पैसा पड़ा है क्या देता है एक परसेंट भी महीने का नहीं देता तो मैं सारा सारा निकाल के शेयर बाजार में डाल देता हूँ तो मैंने उनको ये हाथ जोड़कर निवेदन किया कि सर डूब मत जाना सारा का पैसा निकाल के शेयर मार्केट में मत डालना सेविंग अकाउंट में रखा पैसा बैंक एफ में रखा पैसा एल्टी ग्रिल्ट बीज में रखा पैसा लिक्विड बीज में रखा पैसा आपका दोस्त है आपका दुश्मन नहीं है उसको बियर मार्केट में बहुत उस पैसे की याद आई कि अरे साहब अब शेयर बहुत सस्ते सस्ते मिल रहे हैं अच्छे भी दिख रहे हैं खरीदने को मन भी हो रहा है लेकिन पैसा नहीं है तो उस समय पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसलिए जो आधा प्रॉफिट बुक करके खुद को डिविडेंट देने वाला सिस्टम रखा है वो इसलिए रखा है कि उसको आप आगे जब कभी आपको एवरेज करने के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो आपके पास पैसे कमी नहीं पड़े शुरू में हमने आपको पचास हज़ार एवरेज अलग रखा है लेकिन जैसे जैसे आप आधा प्रॉफिट बुक करते जाएंगे वैसे वैसे पचास में आधे में से आधा तो ऐड करते रहिए कम से कम आधे में से आधा आप घर पर ले जाना चलिए अब अगले प्रश्न पूछते हैं संजीव कुमार जी कह रहे हैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट संजीव कुमार जी ऊपर जा रहे हैं ऊपर मत जाओ भाई नीचे आओ कहते एक मिनट हो हमारे कमेंट इतने चालू हो गए सर जी आपने बताया था लास्ट वीडियो में दस बेटों की कहानी मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर दस बेटों पर पैसे लगा दूँ क्या काम एक बेटे मतलब से मतलब पंद्रह हजार से शुरू करूँ धीरे धीरे और पैसे लगाऊँ तो मैंने आपको बताया अभी मैंने पहले भी बोला है लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए आप देखना मैं खुद अपने बेटे में ऐसे ही करने वाला हूँ उसको महीने के पंद्रह हजार ही दूंगा उसको तो आप महीने के भी लगा सकते हैं ना महीने के मतलब एक से खरीदो एक बेटा में एक महीने में एक बेटा पैदा करो नौ महीने में पैदा करो नौ महीने में पैदा होता है बेटा नौ महीने में एक बेटा पैदा, पैदा करो तो आराम से आपके जो है बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा बीस जो करोड़ रुपये कम नहीं होते हम आपको बीस करोड़ का प्लान बता रहे हैं तो आप इस इत, इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो कि कल आपने वीडियो देखा आज आप बीस करोड़ कमा लोगे इतनी जल्दबाजी मत करो आराम से आप यदि इस विधि से लो क तो कितना टाइम लगेगा जल्दी चाहिए उनको तो जल्दी चाहिए बीस करोड़ भाई जल्दी बता दो कितना टाइम लगेगा जैसे मेरा इसके अंदर कमीशन हो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि कई तो कहते हैं क्यों सपने दिखाते हो ठीक है ना और कोई कहते हैं कितना टाइम लगेगा तुमने कितने कमा लिया कोई कह रहा है तुम्हारा मुंह देख के और तुम्हारी ड्रेस देख के तुम्हारा बैकग्राउंड देख के नहीं लगता कि तुमने दो लाख भी कमाए तो मैं मुंह पे लगा के आऊँगा उन बीस दो करोड़ रुपए मेकअप कर रहा हूँ मैंने कमाए अमल तो मैं ये कह रहा हूँ मेकअप कह रहा हूँ मैंने कमाए और दूसरा क्या मैं उनको मुँह पे थोड़ी लगा के आऊँ मुँह पे तो दुपने बैठने से काला दाग हो गया तो ही गया है इसमें इसमें मैंने कितना भी नींबू घिसा ये धूप में बैठने से काले दाग हो गए मुंह पे तो हो ही गए हैं तो ये काले दाग धूप में बैठने से हुए भाई ये कम कमाने के प्रतीक नहीं है वो कहते हैं कि साहब तुम्हारा मुंह देख के नहीं लगता कि तुमने बीस करोड़ रुपए कमाए और तो मेरा इसके अंदर कोई कमीशन थोड़ी है कि मैं आपको कोई प्लान बेच नहीं रहा मैं कह नहीं रहा कि मेरे चैनल की मेंबरशिप लो मैं तो यहां तक तो कि कभी कभी ये भी रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो ऐसा भी मैं नहीं कहता मेरा इसमें कोई कोई कमीशन नहीं है आपको अमीर बना के मेरा क्या फायदा आप बताओ ना मुझे कौन सा कमीशन मिलेगा मैं किसी ब्रोकर का लिंक नहीं देता मेरा मेरा जो आप वीडियो की मतलब दे, डिस्क्रिप्शन देखो ब्रोकर का खाता खुलाने का लिंक पहले एस का देता था सरकारी बैंक समझ के अब उसका बेटा दिया मैंने एस का भी नहीं देता मैं किसी ब्रोकर का लिंक नहीं देता किसी ब्रोकर का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता कोई प्लान नहीं बेचता कोई मेंबरशिप नहीं बेचता मेरा कोई पेड प्लान नहीं है लोग बाग है। ये अवश्य है कि टेलीग्राम पे मेरे नाम से फोटो लगा के कोई फेक चैनल खोल ले और आपसे पैसे मांगने लगे कई लोग कमेंट में फेक फोटो लगा के जवाब दे पैसे मांगने लगे तो किसी को कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो समझ लो वो मेज कौशिक नहीं है कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो समझ लो कि वो मेज कौशिक नहीं है ये आप बात आप हमेशा ध्यान रखना तो इसलिए संजीव कुमार जी आपको जवाब दे दिया है कि दस बेटे नहीं आपके पास तो कोई बात नहीं नौ महीने में एक बेटा पैदा करो एक महीने में एक बेटा पैदा करो धीरे धीरे लगाओ कोई दिक्कत नहीं है कोई जल्दबाजी नहीं है हमें आप कोई भी जल्दबाजी मत करें धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माड़ी सिंचे सो गड़ा रितु आए फल होए ठीक है ना ताली बजाने का मन कर गया सीमा जी <laughs> कह तालियां है ना ताली बनाने का मन कर गया अब आगे चलो एक मिनट एक मिनट एक विकास डी जी कह रहे हैं सर सेक्टर रोशन पर आपकी कोई बुक है क्या सर सेक्टर रोशन पर कोई बुक है क्या सेक्टर रोशन पर बुक का मैं सर समझा नहीं ट्रेडिंग टिप्स पढ़ लो ना 41 मतलब जो फोर्टी वन ट्रेडिंग टिप्स उससे आपको सारा प्रकाश डल जाएगा कि सेक्टर वेक्टर कैसे चूज करें क्या करें मनोज सेम भाल जी कह रहे हैं सर आपका पोर्टफोलियो कितने का है आप देखो मेरा मुंह देख के आइडिया लगाओ मेरा बैकग्राउंड देख के आइडिया लगाओ ठीक है ना तो वह मैं देखो बता नहीं सकता क्योंकि एक बार मैंने एक जो एक बार एक वीडियो बनाया था पांच सौ 500 सौ रुपए प्रॉफिट बुक करके एक करोड़ कैसे कमाए। वीडियो में सिंपल ही बताया था कि पांच सौ पांच सौ प्रॉफिट बुक करो उसको में डालो, 20 ट्रेड ऐसी तो तो उधार मांगने वालों की चंदा मांगने वालों की और चिट फंड स्कीम लेके आने वालों की पूंजी स्कीम में पैसा लगाने वालों की बाढ़ सी आ गई अगले दिन लोगों ने एक दो दिन कह भी आपका वीडियो देखा था उससे पता चला कि हम तो ये मान ही नहीं थे आपको इतना पैसा तो सा एक जन ने तो यही कहा कि आप जो है वैसा करो पंद्रह लाख मुझे दे दो और पंद्रह लाख के ब्याज से आपके महीने में घी कितना आता है मैं घी आपको दूंगा तो ये सब स्कीम स्कीमे मैंने सबको हाथ जोड़े रवाना किया मैं तो बेरा बेटा सा बी एल एल भी कर रहा है फीस भर रहा हूं मैं तो पढ़ाई में लगा रखे रखे हैं हैं किसी का भी थोड़ा लगा सर अभी तो मार्केट गिरा हुआ है सर ऐसे करके रवाना किया तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो वगैरह नहीं पूछे मेरा मुँह ही देखते रहे उसने सही दिखा था पीछे पीछे टूटा हुआ बोर्ड था जो जो मेरे दो लाख से बीस करोड़ वाला वीडियो बनाया था उसके बोर्ड मैं लिख रहा था बोर्ड भी टूटा हुआ था टूटा बोर्ड देख के उसने सही कहा कि भाई तेरा मुंह देख के और पीछे का बैकग्राउंड देख के लगता नहीं है कि दो लाख भी कमाए तो उससे मैं उसको मान गया मैंने कहा सही है सर बिल्कुल वे, वे, वेरी नाइस यू आर राइट सर तेईस सौ पचपन लोग जुड़े हुए हैं और चौदह सौ छियासी लाइक आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अब थोड़ा सुपर चैट वालों को इनको भी जवाब जवाब दे देते हैं। नहीं तो ये लोग कह रूट जाएंगे कहेंगे कि सर आपने तो हमारे पैसे भी बर्बाद कर दिए नाम भी नहीं लिया चलो इनको जवाब देते हैं थोड़ा परवीन ठाकुर जी ने दो सौ रुपए का सुपर थैंक्स भेजा है थैंक यू फटाफट जवाब जवाब जो दे देता हूँ तो इससे क्या होता है कि जो हलोज सोचते हैं ये तो सुपर थैंक्स वाला जवाब देते हैं ट्रेड फॉर लॉन्ग टर्म ने चार सौ रुपए शॉप के ज्वेलरी में डेली सिल्वर के अलग अलग ए टी एफ आते हैं तो क्या डेली सिल्वर के ए टी एफ लेना जरूरी है क्या देखो जरूरी नहीं है जरूरी बिल्कुल भी नहीं है और तभी का वर्जन टू इस्तेमाल नहीं करके वर्जन वन इस्तेमाल करो उसमें क्या होता है कि जैसे सिल्वर के ए अलग, अलग अलग आते हैं ना तो उसको वैसे तो फायदा होता है कि अलग अलग प्राइस पे लेते हैं तो बिकते भी अलग अलग है देखो मैंने मेरे .com पे मैंने जब ए की दुकान शुरू की थी तो आपको साथ साथ में मैंने महीने भर तक करके कर दिखाया था उसमें आप देख सकते हैं मैंने जो सिल्वर के अलग अलग ईटीएफ लिए तो अलग अलग उनको छह छह प्रॉफिट कमा के बेचा भी अलग अलग दिन बेचा अलग अलग स्वाद आया वो बात अलग है लेकिन वर्जन वन में हम लेते हैं ना वर्जन वन में क्या होता है कि कम एटीएफ आते हैं जो उसके अंदर शेयरों के भी सिल्वर के भी हैं गोल्ड के भी हैं और शेयर और ये सोना चांदी एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो उसमें बढ़िया रहता है में हो तो मार्केट के उसमें इस तरह से उसमें बढ़िया रहता है और सेफ टाइम ट्रेवल्स। लोग तो का भेजा गुरु जी लोग कल्याण के लिए आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो आपसे जुड़ने के बाद सदा प्रॉफिट में हूं धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के और आगे देखते हैं तो मेरे ख्याल से इतना ही था और किसी का रह गया हो नाम नहीं ले पाया हूँ तो क्षमा करना और अब आगे चलते हैं लाइव चैट में आ जाते हैं क्योंकि तो क्या है सुपर थैंक्स वाले भी खूब सारे आ रहे हैं तो अब किसी किसी का नाम लेना मेरे से छूट भी जाता है और बाईस लोग अभी तक जुड़े हुए हैं मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी लाइव चैट को बंद किया जाए छप्पन मिनट हो गई है वैसे घंटा भर तो हो गया है वादे के अनुसार मैंने वादा किया था आपको थोड़ी देर और चला देता हूँ क्योंकि इतने बाईस लोग जुड़े हुए हैं तो मैं भी चाह रहा हूँ और जो सवाल थोड़े से ले लेते हैं इंटरटेनमेंट कह रहा है पंद्रह की की तो दिन के आई पर बाइस में एसआईपी की नौबत आ जाए तो में की नौबत आती नहीं की दुकान वाला पूरा देखा ही नहीं उसमें एसआईपी यही तो है कि आखिरी बाइंग प्राइस से 2.75 परसेंट नीचे हो तब हम उसको खरीदते हैं पहले तीन में भी आए वो आखिरी बाइंग प्राइस के 2.75 परसेंट नीचे हो तभी खरीदते हैं या उसमें स्मार्ट एवरेजिंग विधि से करते हम ऐसे भी किसी नौबत नहीं आएगी में आप दो विधियों का प्रयोग करें या तो आखिरी से टू परसेंट से नीचे वाली विधि रखें या स्मार्ट एवरेजिंग विधि जो है उसका उसका वीडियो आप देख यूज करें चलिए सर डॉग ट्रेनिंग एंड केयर टिप्स ने लिखा है सर ईटीएफ की दुकान से तीन परसेंट प्रॉफिट बुकिंग ठीक है छह परसेंट प्लीज क्लियर करो सर कर, देखो तीन परसेंट बाड़ा तो उन लोगों के लिए दिया था जो थोड़े से मतलब जल्दबाज किस्म के लोग थे छह परसेंट बड़ा अच्छा रहता है मैं खुद छः परसेंट करता हूँ क्योंकि बहुत सारी ट्रेड में अकाउंट में कराना चाहता बहुत सारे अकाउंट में ट्रेड हो जाती है फिर वो दिख दिखती भी सही नहीं है और जब छह परसेंट प्रॉफिट हमें ईजिली मिल भी जाता है तो मैं तो छह परसेंट वे विश्वास करता हूँ तीन परसेंट वाले को तभी मैं कह रहा हूँ वर्जन वन पर ज्यादा मैं विश्वास करता हूँ वर्जन टू को मैंने ठीक है लोगों की मांग पर बताया बनाया वर्जन वन उनके लिए लोग लोग ये चाहते थे कि साहब सोने चांदी के एटी मदद कर दो टॉप टेन में भी बताओ तीन परसेंट प्रॉफिट का भी रखो ऐसा लोग चाहते थे इसलिए मैंने वर्जन टू बनाया लेकिन वर्जन वन में मैं खुद यूज करता हूं छह परसेंट प्रॉफिट करता हूं मैं ताकि क्या बार बार ज्यादा ट्रेड नहीं करनी पड़े कम ट्रेड में काम चल जाए कश्यप फाल्दू जी ने एक सौ एक रुपये की सुपर थैंक्स भेजी है यू आर ए जीनियस आपसे जी अच्छी स्ट्रेटजी कोई नहीं दे सकते है वो भी फ्री में यू आर ग्रेट थैंक यू सर अंकुर पाटिल जी ने कहा है सर प्लीज सुनिए ना सुन लिया अंकुर पाटिल जी अरे सुनते भी हुई बहुत है इसमें सर प्लीज सुनिए ना अभी जो ओ स्ट्रेटजी ओ में ओ आई में काम करे नुकसान हो रहा है कैसे पता करें कि कोई रणनीति कब सफल होगी देखो ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्रेटेजी में कह रहे हैं कि अभी लोगों को नुकसान हो रहा है जो मैंने ओपन इंटरेस्ट वाला जो ओपन ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो बनाया था उसमें जो कैसे पता करें कोई रणनीति कब सफल होगी अब इसमें क्या है कि मार्केट अब एक विश्व ऑप्शन ट्रेडिंग की और इंट्राडेट की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि आपने कभी ताश के पत्ते दिखा के ताश यदि खेले हैं तो आपको पता चल जाएगा आप ताश खेल रहे हैं आप ताश के पत्ते सामने दिखा रहे हैं मेरे पास ये पत्ते हैं तो आप कभी भी जीत नहीं सकते तो ऐसे ही ऑप्शन और इंटरडेट ट्रेडिंग में क्या होता है जब एक ही स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ी पोजिशन लोग बाग ले लेते हैं अब क्या होता है किसी ऑप्शन और इंटरडे में किसी रणनीति पे आपको फायदा होने लगता है तो आप क्या करते हैं अपने सारे घर का पैसा लाके उसमें डाल देते हैं पड़ोसियों का भी उधार मांग के लाके डाल देते हैं तब बड़े ट्रेडर्स को आपकी बड़ी पोजीशन दिखाई देती है उनको पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है उनको यह भी दिखता है कि आप इंटर के लिए आए हैं उनको पता है ज्यादा ऑप्शन की तो एक्सपायरी हो जाएगी एक्सपायरी को तो आपको आना ही है फिर तो बड़े ट्रेडर उसके विपरीत दिशा में ज्यादा पैसा डाल के आपको विपरीत साइड के अंदर खेच लेते हैं खेल चलता है इसमें इसलिए मैंने जो साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग बुक लिखी है ना आप लोग उसमें एक सौ खर्च करके बुक नहीं खरीदना चाहते यदि तो वो बुक खरीद के पटी हो तो आपको पूरी साइकोलॉजी समझ में आए उससे मैंने यही बताया कि आप एक तो अलग अलग विधियों का प्रयोग करो एक साथ सोलह लाख से अधिक कैपिटल आपके पास होनी चाहिए एक साथ अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे और एक से ज्यादा लोट में किसी में पोजीशन नहीं लेंगे तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा हो सकता है वो भी ओवरऑल फायदा होगा कभी घाटा कभी नुकसान मिला के ओवरऑल फायदा हो सकता है नहीं तो ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको फायदा नहीं होने वाला है ये मैं स्पष्ट कह देता हूँ ही आप एक सौ रुपए लगा के बुक मत खरीदना अभी भी अभी भी मत खरीदना लेकिन सही ढंग से खाली वीडियो देख के आप पंद्रह मिनट का वीडियो फ्री में देख के आप यदि रणनीति समझ के आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लाखों रुपए आ जाएंगे तीस तीस हजार रुपए लेकिन एक सौ की बुक नहीं खरीदेंगे खरीद लेंगे तो पढ़ेंगे नहीं ला के घर पर छोड़ लेंगे पर बिना पढ़े बुक से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है पहले बता दूँ पढ़नी भी पड़ेगी तभी आपको फायदा होगा देखो मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं शाम को खाना खाने के बाद बाजार में घूमने के लिए निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो इस कड़ाके की ठंड के अंदर रात को नौ दस बजे भी दुकान खोल के बैठते हैं दस बजे भी दुकान खोल के बैठे एक भी ग्राहक नहीं दिखाई देता मुझे दुकान के बाहर लेकिन कड़ाके की ठंड में मेहनत करते हैं वो आपको बिजनेस करना नहीं आता है मैंने कहा ना जिसको टमाटर बेचना नहीं आता उसको शेयर बेचना भी नहीं आता है बिजनेस करने के मैं मैं उन बिजनेस मैनों को देख के आइडिया लेता हूँ कि कितनी ये लोग ये लोग मेहनत करते हैं और हमें शेयर जी स्विंग ट्रेडिंग मेथड में आधे घंटे प्राइस बढ़ना फीड करना पड़े ना उसमें भी हमारे को जोर आता है शेयर जी स्विंग ट्रेडिंग मेथड में आधा घंटा लगाना पड़े डारवर्स बॉक्स चोरी में यदि हमें हफ्ते में एक दिन भी लगाना पड़े ना हफ्ते में एक दिन भी यदि हम आधा घंटा लगाना पड़े हमें डार्वर्स बॉक्स चोरी में तो हमें मुश्किल लगता है ईटी की दुकान में हमें रोज पांच मिनट लगाने पड़ते हैं तो भी हमें मुश्किल लगता है तो वो जो दुकानदार बैठा है ना कड़ाके की ठंड में उसके बाद हमें दुकान पे गया उसको कड़ाके बैठा देख के तो मुझे क्या करना था कुत्तों को डालने के लिए बिस्किट मांगे मैंने मैंने उससे चार पार्ले जी बिस्किट मांगे तो उसने सह हर्ष मुझे चार पार्ले जी बिस्किट लिए दिए खड़ा हुआ बीस रुपये गुल्लक में डाले उसके बाद मैं निगाह करता रहा कि ये व्यक्ति क्या करता है फिर उसने पेन कॉपी निकाली डायरी में हिसाब मेंटेन किया कि चार पार्ले जी के बिस्किट बिक गए स्टॉक मेंटेन किया कि पार्ले जी का अपना इतना स्टॉक था चार कम हो गए और वो सब निकालेगा प्रॉफिट लॉस सब निकालेगा दुकान का किराया कितना लग रहा है और रात की दस बजे वो ठंड में बैठा है कब घर जाएगा कब खाना खाएगा कब सोएगा तो आप बाजार जाओ तो व्यापारियों को देखा करो सीखा करो आपके पोर्टफोलियो में तीस शेयर पड़े होते हो तेनार आपको चिंता हो में मार्केट साढ़े चार सौ गिर गया साढ़े चार सौ गिर गया अरे गिर गया वो मार्केट में देखो उनके बेचारों के लाखों का माल दुकान डाले बैठे हैं ग्राहक नहीं आते उनके पास एक एक साल से माल पड़ा है पूछो उनको कभी कि सर साल भर से पहले के कोई पेंट के डब्बे पड़े क्या कोई पेंट का डब्बा बेच रहा है मान लो लाखों के पेंटिंग के डब्बे डाले बैठे हैं लोग लाखों के स्टील वालों के जाओ बर्तनों वालों के जाओ लाखों के बर्तनों के माल गिराए बैठे हैं वो तो उनको बिजनेस करना आता है तो भी कमाते हैं खाते हैं मकान बढ़ाते हैं बच्चों की शादियां करते हैं बच्चों की फीस बढ़ते हैं पूरे घर का खर्चा वो चलाते हैं तो क्योंकि तो उनको बिजनेस करना आता है तो इसलिए आप बिजनेस करना अवश्य सीखिए तभी आपको आनंद आएगा परमजीत नहीं परमिंदरजीत सिंह जी ने चार सौ रुपये से भेजी है आप हमेशा हम सबको ऐसे ही संभालते रहे प्रणाम गुरुजी बिल्कुल मैं प्रयास करता हूँ लाइव आने का लेकिन मैं थोड़ा ढीला डरता लाइव आता नहीं घंटे भर बोलना पड़ेगा

लाई का अपना मामला चल रहा है एक घंटा तीन मिनट टून सेकंड हो गई है फिर भी थोड़ी देर में और आपकी सवाल जो आप ले लेता हूं ताकि मन में नहीं रहे प्रयास किया करूंगा मैं कि आपको महीने में एक बार तो लाइव आई जाऊँ सरबजीत सिंह जी ने कह दिया गुरुजी क्या कंबल की दुकान ई की दुकान पार्ट टू से बेटर फास्ट प्रॉफिटेबल है देखो आप जो है ये नहीं मान सकते कि कौन सी चीज़ फास्ट है और कौन कौन सी बेटर है मैंने उसके कंबल की दुकान वाले वीडियो में भी रिप्लाई दिया है मैंने उसके लास्ट भाग में फिर उसने रिप्लाई दिया है कि आप सभी विधियों का इस्तेमाल कीजिए देखो मैं खुद खुद इतनी सारी विधियों का अलग अलग इस्तेमाल करता हूँ मैं ई टी दुकान भी इस्तेमाल करता हूँ ने स्विंग ट्रेडिंग भी इस्तेमाल करता हूँ मैं कंसंट्रेटेड ब्रेकआउट भी इस्तेमाल करता हूँ और सीमा जी के खाते में हम लोग मतलब टर्टल ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं मेरे फॉलोवर थे उन्होंने लिखा एक बार अक्टूबर के महीने के करीब उनका ई आया कि सर आपकी टर्टल ट्रेडिंग मैथड बेकार है सर आपका टोटल ट्रेडिंग मेथड बेकार है मैं फिर उसने लिखा है बेकार इसलिए कि मैंने पिछले मैं पंद्रह दिन से कर रहा हूँ फना फना शेयर इसके अंदर टेगर हुए और उसके बाद वो तीन परसेंट टूट गए तो इसलिए बेकार है ऐसा नहीं है मैं तीन सालों से सीमा जी खाते में कर रहा हूँ भाई आपने पंद्रह दिन में निर्णय ले लिया टोटल ट्रेडिंग बेकार है तीन सालों से हम सीमा जी के खाते में कर रहे हैं असल में मार्केट के अलग अलग स्तर पर अलग अलग विधियाँ फायदेमंद होती है मार्केट के अलग अलग कंडीशन में अलग अलग विधियाँ फायदेमंद होती है जब मार्केट बुल रन में था तो मतलब टोटल ट्रेडिंग का सिस्टम ही है पिचपन डे के हाई पे शेयर खरीदना है बुल रन पे खरीदना होता है तब हमने सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया वो सीमा जी के खाते से कमाया ट्रटर ट्रेडिंग में हमने शेयर स्विंग ट्रेडिंग से भी ज्यादा पैसा कमाया क्योंकि उसमें क्या होता है वो समय उसका था ट्रेडिंग का था और अब ट्रटर ट्रेडिंग में फायदा ये भी होगा जब मार्केट गिरेगा तो टर्टर ट्रेडिंग में बहुत कम शेयर मतलब ट्रिगर होंगे लेकिन नियमित रूप से यदि हम मतलब एक ही विधि को करते हैं तो ट्रटर ट्रेडिंग भी फायदा देती है शेयर स्विंग ट्रेडिंग भी फायदा देती है कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट वाली मेथड भी फायदा देती है सुपर ब्रेकआउट वाली विधियां भी फायदा देती है और ए की दुकान चाहे वर्जन वन हो चाहे वर्जन टू हो यदि हम विश्वास करके एक ही मेथड को करते रहते हैं एमटी एमटीएफ चाहे मतलब ट्रेडिंग हो विश्वास फलदायको संस्कृत में लिखा होता है हमारे जो शास्त्र में लिखा है विश्वास हो फलदायको के देवी देवताओं में भी विश्वास करना ही आपको फल देता है किसी मंत्र में आपको विश्वास करना किसी गुरु में विश्वास करना तो विश्वास वो फलदायको विश्वास से फल उत्पन्न होती है फल की उत्पत्ति विश्वास से होती है तो आप विश्वास रख के एक विधि का यूज करेंगे तो आपको अवश्य फायदा होगा ए दास गुप्ता जी कह रहे हैं गुरु जी दो लाख से दस करोड़ के वीडियो में जब स्टॉक बीस मिनट नीचे आने के बाद फर्स्ट एवरेजिंग करने के बाद सेकेंड एवरेजिंग कब करना है उसमें एवरेजिंग यही है उसमें एस आई पी में सर बोला इस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि उसके अंदर हर महीने की एक बटा पंद्रह भाग की एस आई पी करनी है तो एस आई पी का समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड में एस आई पी करनी है इसलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए फॉलोवर इस भाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुआ है सबसे ज्यादा कमेंट आए मेरे पास कि कौन से किस में एस आई पी करनी है ऐसा भी मतलब कि उसका एक बटा पंद्रह भागने पंद्रह हजार लिया तो एक हजार रुपए की हर महीने एवरेजिंग करनी है और उसमें भी मैंने इस लाइट वेटिंग के शुरू में भी बताया एक बार फिर भी बता देता हूं जरूरी नहीं है कि जो भी बीस से ज्यादा गिरे सब में करो आप। आपके पोर्टफोलियो में जो सबसे ज्यादा गिराव शेयर है जो सबसे आखिरी में है पहले आप उसमें एक रुपए की यदि पंद्रह का लिया तो एक हजार का लिया तो दो हजार का लिया तो तीन साठ हज़ार का लिया है तो चार हज़ार यानी एक बटा पंद्रह बाकी एस आई पी एस आई पी मतलब कि म्यूचुअल फंड में नहीं शेयरों में भी आप सिस्टमेटिक खरीद कर सकते हैं आपका ब्रोकर फैसिलिटी नहीं देता तो आप हाथ से खरीदे उसको जो हर महीने जाके खर खरीदे मैनुअली खरीदिए हमारे तो ब्रोकर सिस्टम देते हैं मेरे तो आज पास तो जिस ही ब्रोकर में खाता है उसमें स्टॉक एस आई पी सभी के अंदर है उपलब्ध है तो एस आई पी का मतलब ये होता है स्टॉक एस आई पी आई ये जो जिस शेयर को आप एरेंजिंग करना है मैं तो कह रहा हूं कि 20 परसेंट से ज्यादा गिरे सभी में एक साथ मत करना क्योंकि वो 20 परसेंट गिरने के बाद 30 नहीं गिरेगा 40 नहीं गिरेगा 50 नहीं गिरेगा इस बात की क्या गारंटी है जो आपके पोर्टफोलियो में मान लो 10 शेयर है 20 शेयर उसमें तो सबसे आखिरी में हो पहले उसमें एक बटा पंद्रह बाकी ऐसा भी शुरू कीजिए फिर वो आखिरी वाले स्थान को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ जाए तो आपको हौसला भी हो जाएगा कि ये सिस्टम काम करता है इस सिस्टम पर आपका विश्वास भी बन जाएगा और एक साथ आपको ज्यादा पैसा भी नहीं डालना पड़ेगा फिर जो सबसे आखिरी में आ जाए उसकी जगह अभी ये लाइव चैट की रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसको बीच में देखना मैंने बीच में इस विषय पर बसा प्रकाश इस विषय पे मैंने आज डाला है आप बीच में देखो तो आपको अवश्य दिखाई देगा और अब धीरे धीरे लाइव चैट से जुड़े लोगों की संख्या कम होने लगी है एक हज़ार नौ सौ चौरासी अभी भी जुड़े हुए हैं उन्नीस सौ चौरासी लोग लो। तो थोड़ा सा और बताता हूँ बस दो बाग उब करने लगे हैं लगता है ग्यारह बजने लगी है नींद आने लगी लोगों को और लंबा टाइम हो गया है तो बस दो तीन पर्सन और लेकर के और ये सुपर चैट वालों का नाम ले के फिर पूरी करते हैं अपने भी अनुराग कटियार जी के एक हजार रुपये के सुपर थैंक्स आया है थैंक्स यू फॉर योर वीडियोज मेड गुड प्रॉफिट फ्रॉम ई की दुकान तो इन्होंने अनुराग कटियार जी ने एक हजार रुपये का सुपर थैंक्स इसलिए भेजा कि इन्होंने ई e की दुकान से अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो जो लोग विश्वास करके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और होता रहेगा परवीन ठाकुर जी ने दो सौ रुपये का सुपर थैंक्स भेजा है गुरु जी आप दोनों की जोड़ी सीताराम जैसी है धन्यवाद सर नमस्कार देखो ये खुश हो गई है ना और अब मैं नमस्कार का सेशन लेके के सेशन खत्म करता हूँ आज का और जिनके पर्सन शामिल नहीं हो सके उनसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ और उनको एक मैं आश्वासन भी देता हूँ वादा करता हूँ कि इस लाइव चैटिंग के रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध हो जाएगी इस लाइव चैटिंग की रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पर आ जाएगी उसके बाद इस रिकॉर्डिंग के नीचे आप अपने पर्सन डालेंगे तो मैं आने वाले दो तीन दिन तक प्राथमिकता क्रम से आप सभी का जवाब दूंगा ताकि जिनके पर्सन जो मत छुट गए थे कमेंट में आप लिखना कि सर मैंने लाइव चैट में पूछा था लेकिन मेरा पर्सन नहीं लिया गया इसलिए मैं कमेंट में पूछ रहा हूँ तो मैं उन सबका जवाब भी दूंगा और अभी मैं नाम पढ़ देता हूँ जितने मेरे से पाँच एक मिनट में नाम पढ़ने जाते हैं भाग्यशाली लोगों के नाम में लेने का प्रयास करता हूँ तो देखते हैं सर किस का नाम लेते हैं <coughs> अरे बहुत फास्ट ऊपर चल रहा है आंखें रुकेगी तो नाम पढ़ूंगा उसका नाम पढ़ता हूँ के टी देसाई जी है विठल जेथुरी जी है किशोर देवाणी जी है और महामेद सोयब गांची जी है संकल्प एक विचार जी है विकास डी जी है शर्मा कश्यप कर, जी है आप सबका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर फोगट जी है स, और इशिट शाह जी है चंदन दत्ता जी है ये जो कह रहे हैं चंदन दत्ता जी गुरु जी आई एम फ्रॉम आसाम यू आर वेलकम इन आसाम की मैं आसाम से हूँ आपका आसाम में स्वागत है तो चलिए अब मैं भी लगातार एक घंटा दस मिनट भाषण देते देते थक गया हूँ और मैं प्रयास करूँगा फिर से जल्दी लाइव आकर के आप सबके बच्चे पर का जवाब दूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार